चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन बैक फ्लश कॉस्टिंग इन जस्ट इन टाइम। देखो ध्यान से, नॉर्मल ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं पहले वो समझ लें एक बार, फिर इसमें आते हैं। ठीक है, नॉर्मल बात करें कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में हमारा पर्पस क्या होता है कि हर इवेंट पर एंट्री पास करते हैं। मेटल परचेस करा, एंट्री पास करी, नहीं कि भी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, है ना। मेटेरियल इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट या मेटेरियल अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। मेटेरियल रिसीव करा तो एंट्री पास करी, स्टोर में आया, फिर स्टोर से भेजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ताकि कंट्रोल हो सके। ठीक है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया इसको, फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स हमने बेचा, वो पहले ही बांधने की बात है। लेबर को पेमेंट करी, लेबर चार्ज करी। ठीक है, तो ये डाटा एंट्री हर इवेंट पर होती है। अब जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि सबसे पहली बात हम करते हैं डाटा एंट्री केवल करते हैं प्रोडक्शन के टाइम पर, प्रोडक्शन और सेल एक ही। ठीक है, दूसरी बात है ना, हम कोई स्टॉक नहीं रखते मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। ठीक है, लेबर एंड ओवरहेड को एक ही नाम देते हैं, कन्वर्शन कॉस्ट का। ओके, अब ध्यान से देखो, जस्ट इन टाइम सिस्टम में हम क्या करते हैं कि सप्लायर से मटेरियल परचेज करते हैं और डायरेक्ट मटेरियल कहां पर हो जाता है ट्रांसफर, वेयरहाउस में नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मशीनों में। तो जब हमारे पास स्टॉक ही नहीं होता, ना तो रॉ मेटेरियल का, ना WIP का, ना फिनिश गुड्स का, कोई स्टॉक ही नहीं है हमारे पास, है ना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई डाटा एंट्री एक ही बार करो, कब, प्रोडक्शन के टाइम पर। सप्लायर ने, ध्यान से सुना क्या कहना चाहते हैं, हमें कितना मेटेरियल चाहिए, मान लो भी एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें 3000 यूनिट चाहिए, 4000 यूनिट चाहिए, 500 यूनिट चाहिए, तो जितने भी यूनिट चाहिए ना वो सप्लायर अपने आप भेजेगा क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर मेंटेन कर लिया, ERP, है ना। तो जब सप्लायर अपने आप मुझे भेजेगा, अब वो सारा मटेरियल एक बार में भेजे, दो बार में भेजे, तीन बार में भेजे, एक दिन में, वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि भैया वो कह रहा है मैं भेज रहा हूं, आपका प्रोडक्शन नहीं रुकने दे रहा ना। ठीक बात, तो जितनी बार भी भेज रहा है, एक बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, हम कोई एंट्री पास नहीं कर रहे। हम कब एंट्री पास कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भी फिनिश गुड्स कितना बना, हम देख रहे हैं फिनिश गुड्स कितना बना। ठीक है, मैं उसको देख रहा हूं बस, 1000 यूनिट बने, अब उसमें मैं देख रहा हूं कि कितना मटेरियल लगना चाहिए, राइट, कितना मटेरियल लगना चाहिए। वो कहां से पता लगेगा आपको, एक फाइल होती है बिल्स ऑफ मटेरियल, उसमें पता होता है, लिखा होता है सॉफ्टवेयर में कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें 2 किलोग्राम ए चाहिए, 3 किलोग्राम बी चाहिए, 4 किलोग्राम सी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही प्रोडक्ट की बात आती है कि 1000 बना, तो वो सॉफ्टवेयर मल्टीप्लाई कर देगा कि भाई इतना इतना मटेरियल मुझे चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम ये कहते हैं जितना मटेरियल मुझे चाहिए मैं मान के चलता हूं, क्योंकि स्टॉक तो कहीं है नहीं, है ना, उतना मटेरियल सप्लायर ने भेजा होगा तो उतने की मैं एंट्री पास कर लेता हूं। अब प्रैक्टिकली कई बार ये देखा है कि भाई हमने फॉर एग्जाम्पल ये बोला सप्लायर को कि देखो भाई हमने क्या करा, एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, मुझे मटेरियल चाहिए था M1 2 किलोग्राम, M2 3 किलोग्राम, ओके, और हमने प्रोडक्ट बनाए मान लो 10,000, हमने प्रोडक्ट बनाए मान लो 10,000, ठीक है, तो इसका मतलब 20,000 और 30,000, इसका मतलब 50,000 हमें यूनिट चाहिए रॉ मेटेरियल के, कंज्यूम हो जाने चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये जो फॉर्म कहलाता है, ये कहलाता है बिल्स ऑफ मटेरियल। इसे क्या बोलते हैं हम, बिल्स ऑफ मटेरियल। इसमें लिखा होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए। ओके, अच्छा जी, तो इसके हिसाब से 50,000 किलोग्राम मटेरियल कंज्यूम हो जाना चाहिए। अब हम सप्लायर को बोलते हैं कि तुमने 50,000 भेजा होगा, तो सप्लायर कहता है नहीं, मैंने आपको 65,000 भेजा है, मैंने आपको 55,000 भेजा है। अब बात देखनी पड़ेगी, अच्छा केवल इससे काम नहीं चलता कई बार, तो इसका मतलब अब सप्लायर की रिलायबिलिटी पर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट इन टाइम तभी सफल होगा जब आपका सप्लायर रिलायबल होगा। इसका मतलब 15,000 की जो गड़बड़ है वो क्या है, नहीं
या तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ठीक है, नहीं बचना होता बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ कई बार बच जाता है, और या फिर हमारी वेस्टेज है, या फिर हमारी कुछ वेस्टेज है, होता है क्लोजिंग स्टॉक, ऐसी बात नहीं नहीं होता, बट बहुत कम होता है, और वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंसिडर कर ले तब हम रिकंसाइल कर देते हैं, तो हम कहते हैं चलो ठीक है भाई, आपने 50,000 मुझे भेजा है, हम 50,000 की एंट्री पास कर लेते हैं। इसका मतलब हमारा बेसिक पर्पस क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करा बिल्स ऑफ मटेरियल से, तो आया कंजम्पशन, एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करा किससे, बिल्स ऑफ मटेरियल से, तो मेरे पास क्या आया, ये कंजम्पशन, कितनी कंजम्पशन हो जानी चाहिए, ओके। इसमें मैंने ऐड कर दिया वेस्टेज, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक। वैसे मेरा पर्पज है इन दोनों को खत्म करना, बट स्टिल, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारे पास मटेरियल परचेज, ओके। तो हम बैक फ्लश कॉस्ट इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हम ये वाली एंट्री पास कर लेते हैं इस एडजस्टमेंट के साथ, ओके हर इवेंट पर एंट्री पास नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि सप्लायर 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार भेज रहा है, भाई तू भेज दे, ठीक है, हम उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, हम केवल डाटा एंट्री पास करेंगे एक बार, और वो भी कब, जब हमारे पास गुड्स बन जाएगा, उसको बिल्स ऑफ मेटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा कंजम्पशन उतनी होनी चाहिए, फिर हम अपने पास देखेंगे यार वेस्टेज की स्क्रैप रिपोर्ट कितनी है, थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, उनको ऐड कर देंगे, तो ठीक है परचेजेस की फिगर आ जाएगी, उसकी हम एंट्री पास कर देंगे, उसके हिसाब से सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, ओके। तो ये रिवर्स कहलाया ना आपका, ये एक्चुअल आउटपुट से रिवर्स कहलाया, इसलिए इसको बोलते हैं बैक फ्लश, यानी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से डिफरेंट हुआ, वो सीधा सीधा चलता है, जब खरीदा तब एंट्री, जब आपने स्टोर में भेजा तब एंट्री, प्रोडक्शन में गया तब एंट्री, कन्वर्ट हुआ तब एंट्री, प्रोडक्ट बना तब एंट्री, और सेल हुआ तब एंट्री, और यहां केवल एक बार भी एंट्री पास होगी, ठीक बात है। और इसमें सप्लायर को ईआरपी के थ्रू अपने आप इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि जैसे ही हमारे पास मेटल की रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है, वो इंफॉर्मेशन ईआरपी के थ्रू सप्लायर के पास पहुंच जाती है, सप्लायर तुरंत हमारे को मेटेरियल सप्लाई कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड बैक फ्लश कॉस्ट, क्लियर बेटा, ये मैंने आपको लिख भी दिया है, ठीक है। चलिए अब ये क्या करें, हाँ जी, बैक फ्लश कॉस्टिंग रिक्वायर नो डाटा एंट्री ऑफ एनी काइंड अंटिल फिनिश प्रोडक्ट इज कंप्लीट, ठीक है, राइट, एट दैट टाइम टोटल अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स इज एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट बना 1000 जो मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, कंपोनेंट से, कहां पर लिखा होता है कंपोनेंट, बिल्स ऑफ मटेरियल में, बिल्स ऑफ मटेरियल में क्या लिखा होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट से, तो आ जाता है कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाना चाहिए, ठीक है, ये एक अकाउंटिंग अप्रोच है जो जस्ट इन टाइम में यूज की जाती है, ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज कैलकुलेटेड एट द टाइम व्हेन फिनिश गुड्स रेडी, ओके, फिनिश गुड्स जब रेडी हो जाता है तब कॉस्ट निकालते हैं हम, ठीक है। ये क्या फायदा है इससे, मेंटेनिंग WIP अकाउंट, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट हर स्टेज पर, सर इसमें हम नहीं निकालते हैं, ठीक है, सारा ये ऑटोमेटेड होता है, कंप्यूटराइजेशन, हमें कुछ नहीं करना था, सारा कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम। व्हेन प्रोडक्शन ऑर्डर इज रिसीव, जैसे ऑर्डर आया सेल्स डिपार्टमेंट ने अपने कंप्यूटर में ऑर्डर फिट कर दिया, वही ऑर्डर डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गया, एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है इंफॉर्मेशन की कि भाई कितना मटेरियल चाहिए, बिल्स ऑफ मटेरियल से, नहीं, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और कब हम उसको डिलीवर करेंगे, ये कहलाता है बिल्स ऑफ मटेरियल, होगा की बात समझ में। जैसे मेरे पास ऑर्डर आया सेल्स डिपार्टमेंट ने अपने कंप्यूटर में ऑर्डर फिट कर दिया, वो ऑर्डर अपने आप कहां चला गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में बिल्स ऑफ मटेरियल की फाइल है, ऑटोमेटिकली एक्चुअल ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर आया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्स ऑफ मटेरियल से, तो पता लग जाएगा इतना मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल सॉफ्टवेयर वेंडर को भेज देंगे, अपने आप चला जाएगा, क्योंकि वेंडर के पास भी मेरे पास, क्योंकि वेंडर के पास भी हमारा सॉफ्टवेयर है, ओके, वेंडर के पास भी सॉफ्टवेयर है, ऑर्डर चला गया। अब व्हेन प्रोडक्शन बिगिन, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मटेरियल लिस्ट इज यूज्ड टू पिक अप मटेरियल फ्रॉम देयर डेस्टिनेशन एंड ट्रांसफर देम टू प्रोडक्शन, ठीक है, जब हमारे पास ऑर्डर आया था तो हमने ये सारा काम कर दिया, मेटल की लिस्ट ऑटोमेटिकली ईआरपी के थ्रू पहुंच गई वेंडर के पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन के थ्रू, ओके, तो वो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देंगे, ठीक है,
एंट्री ऑफ ऑल रॉ मेटेरियल इन दैट स्पेसिफिक प्रोडक्शन ऑर्डर इज डन यूजिंग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपने आप आ रहा है, हम अलग से कोई एंट्री पास नहीं कर रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई अलग से एंट्री पास कर रहे, इसका मतलब कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बस उसको ये कह रहा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मटेरियल रिसीव्ड उसको कह रहे एंट्री, कोई अलग से जनरल एंट्री नहीं। व्हेन आउटपुट इज कंप्लीट, अब ये बात आई, जब मेरा प्रोडक्ट बन गया, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन शैल बी एंटर्ड इनटू द प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। अब प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में मैं कहता हूं मेरे 1000 यूनिट बन गए, ठीक है, तो ये मुझे दे देगा लिस्ट ऑफ कंपोनेंट जो मुझे, जो मेरे यूज हुए, बट दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम बिकिंग। कंपनी शुड कंसिडर द फॉलोइंग बिफोर इंप्लीमेंटेशन बैक टू फ्लश कॉस्ट। क्लियर पार्ट भी, तो यहां पर बस हमने ये पॉइंट नहीं लिखा है कि वेस्टेज और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, ओके? तो ये कहलाता है बैक फ्लश। अब हमें क्या ध्यान में रखना है बैक फ्लश कॉस्टिंग में, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग कि भैया भाई देखो मेन फॉर्मूला क्या, हमारा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाई बिल्स ऑफ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगी, और उसमें वेस्टेज और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करके परचेज आ जाएगा। तो मुझे सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, प्रोडक्शन रिपोर्ट, कि अगर मेरी प्रोडक्शन रिपोर्ट गलत हो जाएगी, समझ गए, तो बिल्स ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई करके कंजम्पशन गलत आ जाएगी, बेकार में सप्लायर से रिलेशन खराब होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन्ड, मतलब इतने समझदार एम्प्लॉय हो कि जो फिनिश गुड्स मशीन से निकला है वो सही लिखे, उस पर सारा निर्भर है, ठीक है। एक्यूरेट प्रोडक्शन दे, ओके, अगर वो इनकरेक्ट होगी ना तो गलत कंपोनेंट पता लगेंगे और क्वांटिटी गलत हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। स्क्रैप रिपोर्टिंग यानी जो भी लॉस है, वेस्टेज है, ठीक है, वो रिकॉर्ड सही करे, अदरवाइज फिर मटेरियल मेरा गलत हो जाएगा। लॉट ट्रेसिंग, जो जो लॉट आपका बन रहा है वो ट्रेस करो, और इन्वेंट्री कितना बचा है। तो मेन हम क्या कहना चाहते हैं, मैं यहीं से समझ लो ना आप, मेन तो देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या ध्यान में रखना है, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बिल्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहली बात आपको एम्प्लॉई को इतना ट्रेन करना है कि एक्चुअल आउटपुट जो प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाए वो ठीक बनाए, क्योंकि अगर बना 1000 और उसने लिख दिए 900 या 1100 तो बिल्स ऑफ मेटेरियल से मल्टीप्लाई करके कंजम्पशन ऑफ मेटेरियल गलत आ जाएगा, ओके? जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है थोड़ा बहुत और जो वेस्टेज, इनकी रिपोर्टिंग, स्क्रैप रिपोर्टिंग ये हमारे को सही दे, तभी परचेज ऑफ मेटेरियल की कैलकुलेशन सही होगी। लॉट रेसिंग का मतलब जिस लॉट के थ्रू बन रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा बैक फ्लश कॉस्टिंग। बोलो भाई बात समझ में आ गई, क्लियर बेटा, चलो आगे चलें। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या हमने क्या क्या ध्यान में रखना है, हाँ जी, जिस जिन जिन फैक्टर से मिलकर बन रहा है, प्रोडक्शन की रिपोर्ट, लॉट ट्रेसिंग, स्क्रैप और इन्वेंट्री, मतलब जो थोड़ा बहुत बच रहा है, ठीक है, राइट। चलिए इन सबको हमें ध्यान में रखना है। अब अगला चलते हैं हम काइजन कॉस्टिंग। देखिए काइजन कॉस्टिंग में क्या कहना चाहता है वो, हाँ जी, नेक्स्ट है काइजन कॉस्टिंग, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनते जाना। ये जैपनीज वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, काई प्लस जैन। काई का मतलब चेंज, जैन का मतलब बेटर, यानी चेंजेस विल ऑलवेज बेटर, मतलब परिवर्तन संसार का, मतलब परिवर्तन एक नियम है कि चेंज होता रहता है, मतलब चेंज हमेशा बेटर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। वो कहते हैं ना एक नॉर्मल कि भी परिवर्तन होना चाहिए, एक मोनोटोनस वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेंज इज ऑलवेज बेटर, परिवर्तन करोगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है काइजन, जैपनीज, इन्होंने जैपनीज वालों ने क्रिएट किया था कि भाई हम अपनी कंपनी में कैसे कॉस्ट को कम करें। तो ये जो सिस्टम डेवलप किया ना, इसमें इन्होंने कई सारी बातें बताई हैं, तो वो आप बातें ध्यान से सुनो। वो ये कहते हैं कि जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, नहीं तो छोटे छोटे सेविंग करो, मतलब जैसे अभी आगे पढ़ेंगे बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी सेविंग नहीं एक बार, मैं समझ रहा हूँ। जैसे भाई बचपन में आपने देखा होगा छोटी सी आपकी गुल्लक होती है ना भाई, आपकी पॉकेट मनी मिली, आपने 1 रुपया उसमें डाल दिया, जब मन करे 5 रुपये डाल दिए, समझ रहे। तो वो जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो आपको लगेगा यार अब इसको तोड़ो गुल्लक को, पता लगा भाई साहब 20 रुपये इकट्ठे हो गए। तो वही कॉन्सेप्ट, सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से ही कंसर्न है, बस हम उनको अलग तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर है वही, कुछ और नहीं है। बिजनेसमैन में
सिर्फ कॉमन सेंस की बात आती है, मतलब यहां पर भी वही इसी बात को चर्चा करता है कि भाई छोटी छोटी सेविंग करो। बीपीआर की तरह एक रेडिकल चेंज, ड्रास्टिकली चेंज जो होगा, रेडिकल इंप्रूवमेंट जो आएगा वो नहीं होगा कि आपको देखते लगे कि भाई ये तो बहुत पुराना मकान था, सारा तोड़ के अपने नया बना दिया, वो नहीं होगा। आप घर में रह रहे हो, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो, फिर एक दिन लगेगा अरे वाह भाई। तो कायजन का मतलब होगा चेंजेस, यानी सबसे पहली बात आती है कि रेडिकल चेंज नहीं होगा, स्मॉल चेंजेस होंगे बट कॉन्टिन्यूस होंगे। इसमें टारगेट हम सेट कर लेते हैं और उस टारगेट को धीरे धीरे अचीव करते रहते हैं। हाँ, ये धीरे धीरे जब अचीव करेंगे, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी, देन इट विल एक्यूमुलेट ए लार्ज, एक बार में इकट्ठा नहीं होगा। और जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको इन्वॉल्व करोगे, मतलब शॉप फ्लोर एम्प्लॉय से लेकर, मतलब पीएन से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक, इसमें सबको एम्प्लॉय, सबको हम इन्वॉल्व करते हैं कि आप सजेशन दो, आप सजेशन दो। ये वैल्यू इंजीनियरिंग की तरह से ही है, बट उसमें एक बार चेंज हो जाता है, और वैल्यू इंजीनियरिंग में सारे चेंजेस नहीं हो पाते हैं कॉस्ट रिडक्शन के, तो जो थोड़े थोड़े चेंजेस रह जाते हैं वो कैजन कॉस्टिंग में आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेजर चेंज आपने कर दिया वैल्यू इंजीनियरिंग में, अब ठीक है ना, थोड़े थोड़े रह गए, ये समय के हिसाब से होते रहेंगे, तो उस बात को कैजन कहते हैं वो, कि जो थोड़े थोड़े चेंजेस समय के हिसाब से होते जाएंगे। तो ये हमारी टेक्निक जो है वैल्यू इंजीनियरिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, कि उसमें मेजर चेंज होते हैं और इसमें धीरे धीरे स्लो स्लो स्मॉल चेंज होते हैं। इसमें सारे ऑल, इट इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉयमेंट, ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम टॉप फ्लोर टू द लो लेवल। हर एक एम्प्लॉयज को मालूम होता है कि क्या उसको करना है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कोई किसी भी एम्प्लॉय में कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर डाउट नहीं रहता, एवरी एम्प्लॉय इज क्लियर अबाउट द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म। थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ये डिफरेंट है कि यहाँ पर टारगेट, छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं और उनको अचीव किया जाता है, रेडिकल चेंजेस नहीं होता इसमें, स्मॉल इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, देखो अब आपको तीन चार एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे एयरलाइंस ने ये देखा कि भाई हम जो अपने पैसेंजर को रिफ्रेशमेंट देते हैं, खाना लंच या डिनर, तो उसमें ओलिव जैतून वो बहुत महंगा है और ज्यादातर लोग नहीं खाते, उनको उनका टेस्ट डेवलप नहीं होता, तो वो हटा देते हैं हम। तो उसके हटाने से रिफ्रेशमेंट में, मतलब लंच और डिनर में है छोटी सी चीज, बट इट विल काउंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेविंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऐसे दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं कि एयरलाइंस कंपनी ने, ये प्रैक्टिकल बातें ही हैं सारी, कि एयरलाइंस कंपनी ने ये देखा कि जो टिश्यू पेपर है उस पर लोगो प्रिंट करके देते हैं एयरलाइंस का अपना, ये वो तो कहते हैं कोई भी पैसेंजर टिश्यू पेपर लेता है और बस देखता नहीं, और बस वो यूज करके ऐसे फेंक देते हैं, तो उस लोगो को वहां नहीं देखा जाता है, तो पर्पस डिफीट हो रहा है ना, तो लोगो हटा देते हैं, तो लोगो की प्रिंटिंग कॉस्ट बच रही है। तो ये स्मॉल सेविंग होती है, जैसे मैकडी का बर्गर आपने देखा होगा क्या करा उन्होंने, कि पहले भाई केचप फ्री देते थे, फिर अब चार्ज करना शुरू कर दिया, तो इससे उनकी सेविंग होती चली गई। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी सेविंग्स है उनकी, तो छोटी छोटी सेविंग से इकट्ठा हो जाता है। अब और बताओ, टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल में सिम कार्ड, मोबाइल में जो सिम आती है वो पहले बड़ी आती थी, अब नैनो सिम, हालांकि दोनों ही काम सेम करते हैं, है ना। तो क्या सोचा इन्होंने जो इंजीनियर थे, कि भाई ऐसा डिजाइन करें कि जो बड़ी सिम है उसको हम नैनो सिम में कन्वर्ट कर दें, फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही आएगी पर उससे फाइबर की कॉस्ट बच जाएगी। तो कहने वाला तो यही कहेगा, अरे यार कहां छोटे छोटे पैसे बचा के क्या करोगे, कितना फर्क पड़ेगा एक सिम में, भाई फर्क पड़ जाए, पड़ता है और पड़ा। तो एक सिम के अंदर जो भी फर्क पड़ा कि फाइबर की कॉस्ट उनकी बचती चली गई, तो जब टोटल 1,00,000 प्रोडक्ट पर देखा, देन इट विल एक्युमुलेट। तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ ये कहलाया काइजन कॉस्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए क्या कहते हैं, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, मेन मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सभी फंक्शन में कॉस्ट रिडक्शन है, जबरदस्ती कॉस्ट को हम कम नहीं करते, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब बताया, आगे भी देखेंगे अभी हम, कि रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी, है ना। यहां जबरदस्ती कॉस्ट को कम किया जाता है,
ठीक है, जैसे मैकडी का बर्गर मैंने बताया आपको, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि भाई अब कंपनी जो है अगर अपने एम्प्लॉयज के लिए टी रिफ्रेशमेंट देते हैं तो वो छोटे घर देते हैं कप, है ना। टेली कम्युनिकेशन में नैनो सिम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सिम के जगह, एयरलाइंस में सलाद में वो ऑलिव कम कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बच जाती है बाद में इकट्ठी, लोगो हटा देते हैं नैपकिन पर, ठीक है। अच्छा एक बात और, अब देखा होगा कि जो बिस्किट्स हैं कंपनी वालों ने ये देखा कि यार बिस्किट पर बिस्किट में डबल पैकिंग की आवश्यकता नहीं है, तो एक सिंगल पैकिंग अगर हम लगा देते हैं तो इससे कॉस्ट बचती है। तो अगर वो सिंगल पैकिंग लगाते हैं तो पेपर की कॉस्ट उनकी बच जाती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है, रेडिकल चेंज इज नॉट एक्सपेक्टेड, ये ध्यान रखना, रेडिकल चेंज इसमें नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, इससे क्या फायदा होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव होता है। तीन चीज होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। जब आप अननेसेसरी कोई काम नहीं करोगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, और टारगेट हम अपडेट करते रहते हैं रेगुलर, ठीक है। और लीन सिस्टम का पर्पस क्या है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करो, वेस्ट को कम करो, ओके। ये दोबारा बोल रहे हैं, बीपीआर में हमारा पर्पस क्या होता है कि रेडिकल डिजाइन, रेडिकल चेंज, ड्रामेटिकली चेंज, तो वो यहां पर नहीं होता, ठीक है। स्मॉल और इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है। वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं सभी फंक्शंस में, ओके, ताकि उनको अपनी बात कहने का मौका मिले, ठीक है। हाँ जी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है ना, असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ वर्क स्टेप, इसका भी ये मतलब है, ध्यान से सुनो। ये कहते हैं कि सर दो वर्क स्टेशन है, ठीक है, इसमें रामलाल बैठा है, इसमें श्यामलाल, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अगर रामलाल या ये यहां पर इसको नट रखें, ठीक है, और यहीं पर इसके बोल्ट हैं, इसको नट बोल्ट चाहिए, तो अब ये देखा हमने कि अगर वो नट बोल्ट उसके लेफ्ट पे रखे हैं तो उसको उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि टाइम लग रहा है, कि नट को भी लेता है एक बार में, रखता है अपने पास, फिर बोल्ट को लेता है। तो ये ऑब्जर्व किया कि भाई अगर हम इसके यहां पर नट रख दे, यहां पर बोल्ट रख दे, नहीं, और ये अपना रामला, तो लेफ्ट हैंड से नट लेगा, राइट हैंड से बोल्ट लेगा और उसको कसेगा, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, टाइम कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये तो धीरे धीरे हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे हमारा मोशन कम होगा, वेस्ट कम होगा ग्रेजुअली। अब आप कहोगे सर इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम आप बचा लोगे, नहीं, स्मॉल सेविंग विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। हाँ जी, दीज पॉइंट हम कवर करते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग में, ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग में आगे देखेंगे, बट इनिशियल वैल्यू इंजीनियरिंग में सारे कवर नहीं कर पाते हम, जो छोटे छोटे रह जाते हैं वो फिर काइजन में कवर करते हैं, ठीक है, राइट। तो वही पॉइंट है मेन, सारे एम्प्लॉयज को इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती कुछ, ओके, राइट, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, ठीक है, कोई शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बल्कि हर एम्प्लॉयज को कवर करते हैं, ठीक हो गया। तो क्या क्या मेन पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, रेडिकल चेंज नहीं होता, ठीक है, स्मॉल इंप्रूवमेंट होता है, एग्जाम्पल तीनों ध्यान में रखना, ओके, एयरलाइंस वाला, जैतून वाला भी, सिम कार्ड वाला भी, लोगो वाला भी, ओके, स्मॉल इंप्रूवमेंट होती है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, धीरे धीरे टारगेट सेट करते हैं हम और उनको हम अचीव करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन होती है, ओके, हर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हर एम्प्लॉयज को पता होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट। रेगुलर इंप्रूवमेंट होती चली जाती है, इसका पर्पज है कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट, चेंजेस विल ऑलवेज बेटर, क्लियर। वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या होता है, डिजाइन को चेंज करते हैं, सारी चीजें कवर नहीं कर पाते, तो हम ये कहते हैं कि चलो जो चीजें कवर नहीं हो पाई वो धीरे धीरे समय के हिसाब से हम उनको कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा काइजन कॉस्ट, ओके, क्लियर बेटा, चलिए आगे चले, आगे देखो एक लिमिटेशन, ठीक है, आप कह रहे हो काइजन सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, पर कई बार क्या होता है कि हर एम्प्लॉयज हेसिटेट करता है इन्वॉल्वमेंट होने में, उसको लगता है कि यार
मैं कोई सलाह दूंगा नहीं मानी जाएगी, फिर मैं डोमिनेट होऊंगा। तो सबसे बड़ी इसकी एक लिमिटेशन यही है कि हर वर्कर पार्टिसिपेट हो नहीं पाता है, ठीक है। और दूसरा, कुछ केसेस में एक इम्प्रूवमेंट की होती है ना, स्टेबल स्टेज आ जाती है, किसके बाद उसमें पॉसिबल ही नहीं है इंप्रूवमेंट। देर आर सम केसेस, जैसे एक प्रोडक्ट है आप बना रहे हो तो पहले 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, अब इसमें इंप्रूवमेंट करोगे तो 7 घंटे लगेंगे, फिर 6 घंटे लगेंगे, फिर एक करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि 5 घंटे, अब इसके बाद इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो नहीं पाएगी, परफेक्शन स्टेज होगी, तो उसके बाद फिर कैसे लगाना, कोई समझदार, कोई फायदा ही नहीं है। तो ये एक बेसिकली लिमिटेशन होती है कि सर एक तो हर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता और स्टेबल स्टेज जल्दी आने की उम्मीद होती है कुछ केसेस में। चलिए आगे, ये कहते हैं एम्प्लॉय का रोल नॉन काइजन सिस्टम, ये मतलब नॉन काइजन से कंपेयर करें तो लिमिटेशन नहीं, नॉर्मल बात। नॉन काइजन प्रेजेंट सिस्टम में एम्प्लॉय देखे गए हैं कि केवल कॉस्ट सेंटर होते हैं और समस्या का मेन कारण ही एम्प्लॉय होते हैं भाई, उनको बस अपने ये देखना होता है कि हमारा डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है, हमें तो पैसे खर्च करने हैं। ओ भाई पैसे तो खर्च करने हैं पर उसकी वर्थ भी तो देखोगे, कि अगर उसकी वर्थ ही नहीं है तो क्या फायदा भाई, अगर आपके पास पुरानी मशीन पड़ी है, समझ रहे हो, पर आपको बस मेंटेनेंस के लगी हुई है कि आप इस पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगा रहे हो, तो भाई उस पुरानी मशीन में जान नहीं है, मत लगाओ। तो प्रेजेंट सिस्टम में कई बार ये होता है, ठीक है, यहां पर एम्प्लॉयज सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, उनको लगता है कि यार मैं इस पर अगर इतना पैसा खर्च करूंगा तो मुझे इतना फायदा होगा। ओके हाँ जी, इंप्लीमेंटेशन इंपैक्ट, इनिशियली इट मे बी पॉसिबल दैट एम्प्लॉयज नॉट सेल्फ मोटिवेटेड टू कमांड कंट्रोल सजेस्ट पॉसिबल इंप्रूवमेंट देमसेल्फ। शुरू में कई बार लगता है कि एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते नॉर्मल में, बट काइजन में क्या होता है कि हम उनको जब ये बोल देते हैं कि भाई आपकी बात सुनी जाएगी, आपको सुझाव देने हैं, तो उनमें मोटिवेशन आता है, दे विल डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम, ठीक है। कल्चर में चेंज आ जाता है, ये नॉर्मल सिस्टम में एम्प्लॉय का रोल क्या होता है कि जब उनको अप्रूवल दी जाएगी, उनके दिमाग में होता है कि कोई भी काम करना है अप्रूवल ले लो भैया, बाद में सुनना पड़ेगा, बट नॉर्मल में हम उनको अथॉरिटी दे देते हैं कि आप, आपके ऊपर अथॉरिटी, आप इसको चेंज करो भाई। जैसे मान लो जियो की बात करें हम, है ना, तो कोई सिम लेने आता है तो वहीं पर हमने अथॉरिटी दे दी कि भैया ठीक है ना, आप उसके सारे आईडी प्रूफ सब कुछ चेक करके आप उसको एक्टिवेट कर दो, ये नहीं है कि आप सारी चीजें पहले हमारे पास भेजो फिर हम चेक करेंगे और फिर अप्रूवल में जाएगा और फिर आपको सैंक्शन मिलेगी तो उसमें 2 दिन लग जाएंगे, तो कस्टमर वेट करेगा 2 दिन, उसका कोई फायदा नहीं। तो नॉर्मल सिस्टम में एम्प्लॉय के पास पावर नहीं होती है, वो कहता है कि नहीं मेरे पास अप्रूवल आएगा, ऊपर से मैं सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता हूँ, आपकी फाइल तैयार कर लेता हूँ, मैं पहले ऊपर भेजूंगा, वहां से अप्रूवल आएगा तब मैं सैंक्शन करके दूंगा। तो काइजन सिस्टम में हम कई बार क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को पावर दे देते हैं कि भाई आप के ऊपर पावर है, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ओके हो गया, चलिए आप देखो शॉर्ट में अगर हमें समझना है तो ये काइजन में क्या क्या कहते हैं हम। हाँ जी, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टाइम कम लगता है, ठीक है, सिस्टम हमारा इंप्रूव होता है, ठीक है, वेस्ट कम होता है, ओके, हम टारगेट सेट कर लेते हैं और कॉन्टिन्यूस इसको इंप्रूव करते जाते हैं, है ना। इससे क्या होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, यानी सारे एम्प्लॉयज एक साथ काम करते हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है और सभी एम्प्लॉयज मिलकर काम करते हैं। ओके तो ये कहलाता है हमारा काइजन सिस्टम। ओके चलिए अगला आता है 5S, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है 5S, बहुत ध्यान सुनना। 5S का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जापानीज़ ने डेवलप किया था, ये कहते हैं बेसिकली कि आप अपने काम को करने के तरीके को बदलो तो इससे इंप्रूवमेंट हो जाएगी अपने आप। किस तरीके से, ये कहते हैं वर्क प्लेस पर ना थोड़ा साइंटिफिक वे लेकर आओ, ठीक है, आपका काम इफेक्टिवली हो पाएगा, एफिशिएंटली हो पाएगा और सेफली हो पाएगा और अच्छी क्वालिटी का होगा। ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन पार्ट है और आगे करेंगे हम, टीपीएम में 8 पिलर में भी आएगा ये। नॉर्मली क्या बात करते हैं हम, ऑफिस हो चाहे फर्नीचर हो, ज्यादा काम होता है, ठीक है, तो जब ज्यादा काम होता है आपके पास तो नॉर्मली ये देखा गया है कि सर काम की स्पीड स्लो हो जाती है और गलतियां भी होती हैं फैक्ट्री में, ऑफिस में जब काम बहुत ज्यादा होता है तो सब
खिचड़ी सी बन जाती है, तो उसमें गलतियां होने की भी संभावना होती है और स्लो भी हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए 5S सजेस्ट किया गया। भाई जैसे बात करें सिंपल सी बात, ट्रैफिक है, ध्यान से सुनना क्या बात कहना चाह रहे हैं। एक कॉमन सेंस वाली ही बातें हमने डेवलप करके एक बिजनेस मॉडल में ले आए हैं। अब ट्रैफिक है, काफी गाड़ियां चल रही हैं, तो अगर कोई भी गाड़ी अपनी लाइन छोड़कर दूसरे लाइन में आते हैं, ज्यादातर आप देखोगे इंडिया में यही होता है कि भाई सबको जल्दी होती है, ठीक है। अब एक लाइन चल रही है, उसको लगता है यार दूसरी वाली लाइन में ना जगह है, तो वो अपनी लाइन चेंज करके दूसरे में आ जाता है, दूसरे वाला पहली में आ जाता है। तो जब लाइनें चेंज होती हैं तो उससे क्या होता है, ट्रैफिक स्लो हो जाएगा और एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ जाती है। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होगा, वहां पर क्या होता है कि एक लाइन बनी हुई है, तो आपने अगर एक लाइन ले ली तो वो कोई भी ड्राइवर्स लाइन को चेंज नहीं करता, वो स्टेट उसी लाइन में चलता चला जाता है। उससे फ्लो भी बनता है, उससे काम भी जल्दी होता है और एक्सीडेंट की संभावना भी कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया कि जब काम, आप देखो जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो, है ना, फाइनल की स्टडी कर रहे हो, अब अपने टेबल पर आपने क्या बुक्स का भंडार रखा हुआ है, आपके इंटर पास भी हो गया, फाउंडेशन की भी, इंटर की भी और ट्वेल्थ की भी किताबें आपकी अपनी शेल्फ में ही रखी हुई हैं। अब आपको बुक्स ढूंढनी है, तो आप पढ़ गए, पढ़ चुके, उसके बाद आपने किताब बस उसमें ऊपर रख दी। अब जब अगली बार पढ़ रहे हो तो ढूंढ रहे हो, अरे भाई कहाँ है, पहले तो 15 मिनट बुक ढूंढने में लगा दिए। तो इसका मतलब आपका काम सुव्यवस्थित नहीं था, अनसिस्टमेटिक अरेंज था। इससे क्या हुआ, वेस्टेज हुआ, टाइम की वेस्टेज हुई। तो लीन भी यही तो है कि वेस्ट को कम करना है मुझे, है ना। और फिर जो 15 मिनट वेस्ट आपके हुए, तो आपकी एनर्जी भी चली गई बेफालतू में, है ना। और हो सकता है आप गलत बुक्स भी आप ले लो, आपको लगे यार ये वही तो सारी बुक्स हैं, तो एरर होने की संभावना, स्लो होने की संभावना ज्यादा होगी। तो यहां पर हम आपको 5S के थ्रू इस बात को समझा रहे हैं कि भाई अगर इनको फॉलो करोगे, डिसिप्लिन, इस तरीके से काम करोगे, तो आप कंफर्ट जोन में रहोगे, आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ रहे, जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड पर्सन है, तो उसको पता है कि यार कौन सी चीज कहाँ रखी है, पर अब उसको अंदाजे से, अब हिले ना वो चीज, तो वो अपना काम आसानी से कर पाएगा। तो वही आपसे हम उम्मीद करते हैं कि भाई इनको फॉलो करोगे तो हर आप अपना हाथ इधर लेके जाओगे तो यहाँ वही चीज मिलेगी, क्योंकि वो वही रखी होगी, तो आपको टाइम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 5S की, कौन कौन सी है। पहला सॉर्टिंग, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है सॉर्टिंग यानी छटाई, ठीक है, फर्स्ट आता है सॉर्टिंग यानी छटाई, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है, हाँ जी, सिस्टमेटिक मैनर में हम सेट इन ऑर्डर, फर्स्ट सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन, ये 5 आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले एक एक काम करके चलते हैं। पहला क्या है, सॉर्टिंग, छटाई, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, सॉर्टिंग, फिर सेट इन ऑर्डर, फिर शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड देन सस्टेन। चल अब एक एक करके देखो ये क्या कहना चाहते हैं। सॉर्टिंग, छटाई, मतलब सिंपल सी बात है, छटाई कर लो, तो आप अपनी स्टडी टेबल पर जो आपकी अब यूज में नहीं आ रही हैं, आपको लगता है कि तो रद्दी हो गई, तो भैया इस कबाड़ को हटाओ। तो घर में जैसे वेस्ट चीजें होती हैं, पुराना टीवी हो गया, पुराने ओल्ड कैलकुलेटर हो गए, या कोई नोट्स हो गए पुराने, इनको आपको अपनी जगह से हटाकर कबाड़ में रख देना चाहिए, ताकि जो आपके वर्क स्टेशन पर मिले वो केवल काम का हो, ठीक है। तो वही बात फैक्ट्री में करते हैं, इसको बोलते हैं नीडेड नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, छटाई। यानी ऑफिस में जो सामान हमें बिल्कुल नहीं चाहिए उसे हटा देना चाहिए, उसको एक स्टोर में रख देना चाहिए। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी अनवांटेड फाइल्स, पेपर, बुक्स, डॉक्यूमेंट, क्या क्या आ गए, पेपर, बुक्स, डॉक्यूमेंट, जो भी आपके वर्क स्टेशन पर बेफालतू में रखे हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, कचरा है आपके लिए, उनको हटा दो, ताकि जो रेलिवेंट फाइल्स हैं वो आसानी से मिल सके। अगर कोई आइटम रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, इट शुड नॉट बी इन द वर्क एरिया, ताकि वर्क एरिया हमारा ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, और उन आइटम को हम रेड टैग के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। फैक्ट्री में जो मटेरियल बेकार है, टूल्स बेकार है, ठीक है, जो डिजाइन बेकार हो चुका, नॉन मूविंग, इन सबको अब हटा दो, कि भाई आपने
दो साल पहले कोई ऑर्डर आया था उसके लिए आपने मेटल खरीदा था, अब वो यूज ही नहीं हो रहा, तब से लेकर अब तक वहीं पड़ा हुआ है, तो भाई उसका क्या काम है, उसको हटाकर स्टोर में ले जाओ। यानी जो आइटम हमारे लिए बेकार है छटाई कर दो, ठीक है। जो नॉन मूविंग आइटम है फैक्ट्री में, मटेरियल पड़ा हुआ है, टूल्स पड़े हुए हैं, उन या छोटी छोटी मशीनें पड़ी हुई हैं बेकार की, लाइफ पूरी हो चुकी है, अब वो किसी काम के नहीं है, तो उनको हटाकर कबाड़ में रख दो। ठीक बात है। फैक्ट्री ऑफिस में भी आपके वर्क स्टेशन पर जो भी फाइल्स डॉक्यूमेंट हैं, पेपर हैं, जो आपके काम के नहीं है, जो आपसे संबंद्धित नहीं है, आपको लगता है ये रद्दी है, डेली का न्यूज़पेपर आता है आप पढ़ के वहीं रख देते हो, और फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो भी वहीं, फिर जब चाहिए होता है तो ढूंढो, उसमें टाइम लगाओ, तो अननेसेसरी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको छांट कर आप रद्दी में रख दो। क्लियर। दूसरा, नीडेड बट नॉट नाउ, यह सॉर्टिंग छटाई में, चाहिए पर अभी नहीं, बेकार नहीं है, काम के तो हैं बट अभी नहीं चाहिए, समझ रहे हो, तो उनको एक अलग फाइल में बनाकर रख दो। जैसे आप घर में देखते हो कंबल है, अभी तो ना कि कंबल रजाई आपके बेड के पास हमेशा रखी रहेंगी, और भाई गर्मियों में किस काम की, तो वो हम दीवान में अलग से रख देते हैं ताकि जब सर्दी आए तब हम निकाल के रखें, ताकि वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई ना करें। ठीक है। इनको जैसे हम येलो टैग के, येलो टैग लगाकर अलग रैक में रख देते हैं। जैसे ऑफिस में बात करें हम, कोई लेबर यूनियन का एग्रीमेंट है, वेंडर का एग्रीमेंट है, नहीं कोई कस्टमर का एग्रीमेंट है, कोई एम्प्लॉय का एग्रीमेंट है, तो वो सारे एग्रीमेंट हमने अपने वर्क स्टेशन पर ही रखे हुए। ओ भाई ये तो कब, जब कोई डिस्प्यूट होगा तब काम आएगा ना, भाई मैंने कोई फ्रेंचाइजी ओपन करी तो उससे मैंने एग्रीमेंट बनवा लिया 3 साल का, कि भाई आप इन सबको फॉलो करोगे, आप हमारा प्रोडक्ट बेचोगे, किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, प्रॉपर अपने एरिया में मार्केटिंग करोगे, ये सारी चीजें हो गई है ना। लेबर से हमने ऐसे एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप छोड़ के नहीं जा सकते, अगर आपको जाना है तो पहले 3 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है आपको लीक नहीं करनी है, तो ये सारा हमने एम्प्लॉय से एग्रीमेंट करके रखवा लिया। अभी थोड़ा ना कि मैं रोज जहां पर बैठता हूँ वहीं रखूंगा, रोज उनको धूपबत्ती लगाऊंगा, अरे भाई इनको रख दो अलग से येलो टैग लगा के, जब कभी ऐसा इवेंट आएगा, जब कभी प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे ना, तो यार क्या कहोगे, नीडेड बट नॉट नाउ। ठीक है। आगे बस हमें आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट फाइल विच नीडेड बट नॉट सो फ्रीक्वेंटली, कीप देम सेपरेट, यानी वेंडर का एग्रीमेंट हो गया, स्टाफ का एग्रीमेंट, लेबर यूनियन एग्रीमेंट, इनकी जरूरत फ्रीक्वेंटली नहीं पड़ती। फैक्ट्री में स्लो मूविंग, है ना, नॉन मूविंग नहीं, स्लो मूविंग, इनको अलग से रख दो येलो टैग लगा के। कई बार ऐसा होता है कि हमने अभी 6 महीने पहले कोई ऑर्डर आया था, उसके लिए मैंने मेटल खरीदा था, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी निकट भविष्य में ऑर्डर आ जाएगा, अभी तो नहीं है, रेगुलर नेचर का तो नहीं है ना, तो इसको अलग येलो टैग लगाकर अलग जगह रख दो, कबाड़ में नहीं रख दो, तो शॉर्ट आउट कर दो। तो शॉर्ट आउट में दो चीजें होगी, नीडेड नॉट एट ऑल, नीडेड बट नॉट नाउ, तो जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कबाड़ में रद्दी में रख दो, और जो चाहिए कभी कभी उनको येलो टैग लगाकर अलग से रैक में रख दो। ओके, क्लियर। सॉर्टिंग, ठीक है, इससे टाइम बचता है, ठीक है, और मिस हैपनिंग भी बचती है, टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, ओके, और मिस हैपनिंग होने से भी संभावना बची रहती है। सेट इन ऑर्डर, इसको जापानीज में कहते हैं सेट इन, बहुत है, सेट इन ऑर्डर, यानी सब सुव्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो, क्या कहते हैं, प्लेस फॉर एवरीथिंग, ये वर्ड है, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल दे दूं उसका, क्या सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में रखो। जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई कहीं, अब जैसे स्कूल में आपने आपने देखा होगा कि जब प्रेयर होती है ना, तो छोटे बच्चों को आगे खड़ा करते हैं, उसके बड़े को पीछे, उसके बड़े को पीछे, तो ये ऑर्डर हुआ ना, ताकि जो आगे खड़े होकर कोई भी बोले तो उसको पीछे तक दिखाई दे, आज उसको उल्टा होगा तो नहीं होगा ना, तो वहीं से दिमाग में आई कि भाई ऑर्डर में रखो। अब यहां पर बच्चे की जगह नहीं है, हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल देते हैं शेडो बोर्ड की। क्या है कि फैक्ट्री में एक शेडो बोर्ड लगा दिया जाता है, ये शेडो बोर्ड लग गया, चलो मैं आपको यहां समझाता हूं, ठीक है, एक हमने क्या करा, शेडो बोर्ड लगा दिया इसमें, हाँ जी, यहां पर हुक लगे हुए, टूल 1, टूल 2, टूल 3, ठीक है, टूल्स लगे हुए, ओके। अब ये वर्क स्टेशन है,
ये हमारे वर्क स्टेशन है, यहाँ पर रामलाल नहीं, यहाँ पर मोहनलाल, ठीक है, यहाँ पर सोहनलाल, ओके, तीन हो गए। अब मान लो रामलाल अपना काम कर रहा है, ठीक है, इसको टूल्स चाहिए, ठीक है, तो ये गए और यहां से टूल्स वन निकाल लिया, तो क्या करते हैं शैडो बोर्ड पर, इस शैडो बोर्ड पर रामलाल, इनको इंस्ट्रक्शन है कि जब आप टूल लेकर आ जाओ और यहां पर अपने नाम का टोकन हैंग कर दो, रामलाल, ठीक है, ले आओ काम करो। इससे क्या होगा, मीनवाइल जब आप इस टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हो सकता है मोहन को भी उस टूल की आवश्यकता पड़े, नहीं तो वो इस शैडो बोर्ड के पास जाएगा, देखेगा टूल्स मुझे वन चाहिए, ओहो टूल वन के ऊपर, टूल वन की जगह पर रामलाल का टोकन लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सीधा रामलाल के पास जाएगा कि भाई जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप मुझे दे देना। तो इससे क्या होगा, सर्चिंग का टाइम कम लगा। सर्चिंग कम कैसे लगा, अरे भाई ध्यान से देखो, अगर ही मैं कह रहा हूं ये शैडो बोर्ड नहीं होता, ठीक है, तो मोहनलाल को क्या पता, कैसे पता चलेगा कि वो टूल राम के पास है, वो तो पूरी फैक्ट्री में देखेगा कि भैया कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है। अगर शैडो बोर्ड की तरफ जाएगा और वहां पर सिस्टमेटिक वे में पता होगा कि भैया ये टूल राम के पास है, तो वो राम को कॉन्टेक्ट कर लेगा, इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई जैसे आपका काम खत्म हो तो आप वो मुझे दे देना, तो मैं आपका वो टोकन लेकर आपको दे दूंगा और यहां टोकन मैं अपने नाम का लगा दूंगा, ताकि फिर किसी को चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट करेगा, आपसे नहीं। बस समझ में आ गई, यानी सेट इन ऑर्डर, क्लियर है, इसको बोलते हैं एवरीथिंग इन इट प्लेस, प्लेस फॉर एवरीथिंग, ठीक है, प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक के लिए जगह हो और हर अपनी जगह पर हो, ठीक है, इससे सर्च का टाइम बच जाता है, मोशन बेफालतू में जो घूमना पड़ेगा वेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अब ऑफिस में, ये तो फैक्ट्री में हो गया, प्रॉपर इंडेक्सिंग करो, ठीक है, हाँ जी, ये हो गया शैडो बोर्ड का एग्जांपल, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हर चीज की जगह हो, हर चीज उसी जगह पर हो, हर चीज की अपनी जगह हो कि भैया ये इस ड्रॉअर, इस दराज में कैलकुलेटर होगा, इस दराज में पेंसिल होंगी, इस दराज में मार्कर होंगे, इस दराज में हाईलाइटर होंगे, हर चीज अपनी जगह पर होगी, ताकि अगर काम करते समय आपको हाईलाइटर चाहिए तो ये नहीं है ओहो कहाँ रखा था ढूंढो, आपको पता है कि तीसरी दराज में आपका हाईलाइटर होगा तो वहीं आपका हाथ जाए, ये मतलब सेट इन ऑर्डर, आपको सर्च ना करना पड़े, नहीं, इसी को बोलते हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन ए प्लेस, मतलब कि आप अपने बुक्स की भी डीटी की बुक्स है इस शेल्फ में होंगी, ठीक है, आईडीटी की बुक्स है इस शेल्फ में होंगी, कॉस्टिंग के सारे नोट्स इसमें होंगे, तो जब आपको कॉस्टिंग करनी है तो इसमें जाओगे, तो ये कहलाता है सेट इन ऑर्डर। ध्यान से देखो क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है, प्रॉपर इंडेक्सिंग करो, ध्यान से सुना इन वर्ड्स को, प्रॉपर इंडेक्सिंग करो और क्या करो, डॉक्यूमेंटेशन, इंडेक्सिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंडेक्सिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या है कि जो भी आप इंडेक्स बनाओगे, ठीक है, वो पेस्ट कर दो हर फाइल के ऊपर अबाउट इट कंटेंट्स, और वो पैटर्न कंटेंट का फॉलो करो, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट आपको, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट आप उस फाइल में रखो, ठीक है, उसका पैटर्न बना के रख दो, ताकि कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो चाहिए इजीली ट्रेस हो सके और विथड्रॉ कर सको, मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं। दोबारा देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे फाइल वन है, जैसे हमारे पास फाइल वन है, ठीक है, अब इस फाइल में, हाँ जी, इस फाइल में हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, तो हम इस फाइल के ऊपर इंडेक्स बना देंगे कि भैया इस फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट वन है, डॉक्यूमेंट टू है, डॉक्यूमेंट थ्री है, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट है, ओके, तो उस फाइल में जो जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके हाईलाइट नाम करके हम बाहर लगा देंगे, ऐसे फाइल टू में जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका इंडेक्स बना के बाहर लगा दोगे, तो यही लिखा है, प्रॉपर इंडेक्स शुड बी मेड, पेस्ट कर दो हर एक फाइल के ऊपर कि भैया उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसमें क्या क्या कंटेंट है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है। अब जो भी आपको मान लो डॉक्यूमेंट चाहिए पांच, तो आप इस फाइल में देखोगे ऊपर, मतलब इस फाइल में आप पूरी फाइल नहीं ढूंढोगे ना, इंडेक्स देख लोगे, नहीं है, चलो फाइल टू में, तो आप
जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो रेलिवेंट फाइल में मिल जाएगा, आपका सर्च टाइम बच जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए इजिली ट्रेस हो जाएगा और निकाल लो। सेम कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू फोल्डर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी फोल्डर बना के रखो ताकि इजिली सर्च कर सको। ये नहीं है कि भैया कंप्यूटर में भी, मान लो हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, टैक्स के क्लाइंट्स अलग हैं, जीएसटी के क्लाइंट्स अलग हैं, ठीक है, खाली रिटर्न भरने के क्लाइंट्स अलग हैं, स्टैचुरी ऑडिट के क्लाइंट्स अलग हैं, तो अगर हम उन सबको एक ही फाइल में रख देंगे तो किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, अच्छा मैं ढूंढता हूँ जरा, तो टाइम लगेगा। अगर आप प्रॉपर इंडेक्सिंग करके आप फाइल के ऊपर लिख दोगे, फोल्डर बना दोगे कि रामलाल टैक्स, श्यामलाल जीएसटी, तो जब भी आप फोल्डर खोलोगे जीएसटी का भैया ये, तो इजीली आपके पास मिल जाएगा, टाइम बचेगा, ठीक है, कोई भी फाइल को ढूंढ सकता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। हाँ जी, सॉर्टिंग और सेट इन ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब छटाई। घर में कबाड़ है, पुराना टीवी है, पुराना कैलकुलेटर है, पुराना ट्रांजिस्टर है, ठीक है, पुराना कोई भी सामान पड़ा हुआ है, उसको जो बेकार है उठाकर कबाड़ में रख दो ताकि वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, ताकि रेलिवेंट आइटम आप इजीली ढूंढ सको। फैक्ट्री में भी बताया आपको, ऑब्सोलीट मटेरियल जो होगा, जो बेकार के मटेरियल्स हैं या डिजाइन हैं या जो पुरानी मशीन बेकार पड़ी हुई है, वेल्डिंग मशीन है पुरानी है खराब है, या जो पुराने प्रोडक्ट है जो खराब हो चुके हैं, वो आप अपने वर्क स्टेशन के आसपास मत रखो, उनको हटाकर कबाड़ में रख दो, इससे मिस हैपनिंग भी होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्योंकि जब वर्कलोड ज्यादा होता है और अनसिस्टमेटिक काम होगा तो एरर भी बढ़ेंगी और मिस हैपनिंग भी होगी, तो ये वही सलाह देते हैं। दूसरा, नीडेड बट नॉट नाउ। जैसे घर में कंबल वगैरह है तो हम कहां रखते हैं, दीवान में, तब सर्दियां होंगी तब काम में आएगा, तब ले लेंगे। तो ऐसे ही ऑफिस में लेबर का एग्रीमेंट है, कस्टमर का एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट है, तो वो सारे एग्रीमेंट हम अलग येलो टैग बनाकर रख देते हैं ताकि जब उनकी जरूरत होगी तब रखेंगे, अननेसेसरी वर्क प्लेस पर रखेंगे तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित, प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर इट्स प्लेस, हर एक की अपनी जगह हो और जगह पर वही सामान रखा हुआ हो। जैसे शेडो बोर्ड का एग्जाम्पल दे देना आप यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर इंडेक्सिंग का दे देना कि भाई आप जो भी डॉक्यूमेंट हैं जिस फाइल में रखे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट जिस फाइल में रखे हैं उस फाइल के ऊपर उसकी डिटेल लिख दो, ताकि जब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो फाइल के ऊपर देखकर समझ में आ जाएगा ये वाला डॉक्यूमेंट इस फाइल में है, ओके। चलिए तीसरा, शाइन। शाइन का मतलब क्या है? हाँ जी, एवरीथिंग इन गुड कंडीशन। एवरीथिंग इन गुड कंडीशन मतलब बिल्कुल साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, समझ रहे हो? इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव वेव आती है। मतलब एक सिंपल सी बात देखो कि खाना उसी आटे से बनता है, ढाबे में भी और फाइव स्टार में भी, है ना। तो जो भी कॉर्पोरेट में बड़ी बड़ी मीटिंग होती है वो फाइव स्टार में करते हैं, क्यों? ये थोड़ा कि बस एक बस करना है फाइव स्टार में। अरे भाई वहां पर साफ सफाई है, वहां पर बैठकर बात करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। ढाबे में बैठकर बात करेंगे तो वहां पर एक गंदगी होगी, वहां पर हमारे पास पॉजिटिव थॉट ही नहीं आ पाएंगे। तो वही बात कह रहे हैं कि जब कोई भी वर्कर, कोई भी ऑपरेटर जहां पर काम करता है वहां पर साफ सफाई का पूरा ध्यान में रखे। फैक्ट्री में बात करें कि मशीन है, ठीक है, ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग बिल्कुल टच रखे। जब ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग बिल्कुल अच्छे से रखेंगे तो मशीन जो है कभी भी आपको बीच में चलते हुए नहीं रुकेगी, यानी मशीन टॉप वर्किंग कंडीशन में रहेगी। ये भी आगे टीपीएम में भी पढ़ेंगे हम कि मशीन की ऑयलिंग क्लीनिंग और ग्रीसिंग बिल्कुल साफ साफ सफाई रखोगे तो स्मूथ चलेगी, ठीक है। ऑफिस में टू कीप वर्क एरिया क्लीन, जहां पर बैठे हो, जहां पर बैठे हो बिल्कुल साफ सफाई रखो, ठीक है। मतलब एक तरह से हैबिट डेवलप कर लो कि भाई मैनेजमेंट हर एम्प्लॉय को 15-20 मिनट दे कि भैया मुझे वो सफाई करनी है, ठीक है। एवरीथिंग गुड कंडीशन रखे, इंस्पेक्शन रखे, क्योंकि देखो क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल सी बात, आप देखो पुराने रेलवे स्टेशन कहीं पर जाओ तो वहां गंदगी, तो क्या होता है कि जहां ऑलरेडी गंदगी होती है वहीं पर कोई भी पान भी थूक देता है, वहीं पर वो आप कचरा भी डाल दोगे कि भाई ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जब ये सफाई होगी तो ये भी साफ कर लेंगे, यानी गंदगी पर और गंदगी। पर इसके विपरीत आप देखो एयरपोर्ट जाके बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो आपको भी एक भी कागज का टुकड़ा अगर डालना है तो 10 वर्ष होते नहीं डालोगे, क्योंकि ऑलरेडी सफाई है, समझ के बात को। तो इसका मतलब जहां पर सफाई होगी कल्चर डेवलप कर लो, ठीक है।
अब ये नहीं कि वर्क प्लेस है, आप खाना खा रहे हो तो चाय के ग्लास वहीं रख दिया, तो उसको आप किचन में रख के आओ तुरंत, यानी क्लीनिंग ऑयलिंग, ठीक है राइट। मेंटेनेंस बिकम ऑटोमेटिकली, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखो ना कि करेक्टिव। ओके, वर्क प्लेस शुड नॉट बी अनटाइडी। ओके, जितना वर्क प्लेस आपका साफ सुथरा होगा उतना काम करने में मन लगेगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, तीन चीजें हो गई। हाँ जी, पहला छटाई, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, ठीक है, शाइन। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल बात करें कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, पुलिसमैन हैं, तो प्राइमरी फेशियल समझ आते हैं कि हाँ भाई ये इनकी ये ड्रेस है। तो फैक्ट्री में ड्रेस कोड मेंटेन करके, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो कि जो पीएन है उसके ड्रेस कोड अलग रखो, जो ऑपरेटर है उसके ड्रेस कोड अलग रखो, जो मैनेजर्स हैं उनके ड्रेस कोड अलग रखो। इससे क्या होता है बेसिकली कि जो भी बाहर से आता है इंटरेक्ट करने के लिए उसे समझ में आ जाता है कि मुझे किससे बात करनी है, कस्टमर कंप्लेंट वाले से बात करनी है तो उनकी ये ड्रेस होगी प्रॉपरली। भाई जैसे मान लो हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर की ड्रेस वाइट कलर की होगी, ठीक है, जो रिसेप्शन पर बैठे होंगे उनकी आपने ड्रेस अलग कोड बना दिया, मे आई हेल्प यू जो गाइडर होंगे उनकी आपने अलग कोड बना दिया। तो इससे क्या होगा, जो भी बाहर से आएगा वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएगा, तो जो सबकी ड्रेस एक ही है नहीं, और डॉक्टर बैठे हैं तो डॉक्टर से ही सारी सलाह पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई मेरे से मत पूछो, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, पहले आप सारी इंक्वायरी जो जो हैंडल करे उनसे पूछो। तो अगर ड्रेस कोड अलग होती है देन इजिली इंटरेक्ट हो पाता है। स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं इसको ना, यानी एक जैसा, ठीक है। स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन इन वर्क स्टाइल, ये कहते हैं। कलर इंडिकेट द पर्टिकुलर आइडेंटिटी, नॉर्मली हाई स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जैसे हम ऑफिस में देखें, ध्यान से सुनना क्या कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है उसको हम रेड फाइल के नाम से दे दें कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, इनको हम रेड टैग। जो कम इंपॉर्टेंट फाइल है उनको हम ग्रीन फाइल से दे दें, जो अनइंपॉर्टेंट फाइल है उनको येलो फाइल से दे दें। तो कलर के हिसाब से पता लगता चला जाएगा कि ये हमारी किस इंपॉर्टेंट की फाइल है, ठीक है। सस्टेन, सस्टेन का मतलब जिसका अनुशासन उसका शासन, ठीक है। अब ये हमें श्योर करना है कि स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस आपको बताई हैं, सॉर्टिंग, सेटिंग, शाइन, स्टैंडर्ड, क्या ये फॉलो हो भी रही है या नहीं हो रही है। नहीं, खाली उपदेश देने से कुछ नहीं होगा ना, क्या सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक चेकलिस्ट बना लो, एक चेकलिस्ट बना लो। आपने देखा होगा ज्यादातर कि भाई जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर वॉशरूम के ऊपर एक चार्ट लगा होता है ना, उस पे लिखा होता है कि इस दिन इस बंदे की ड्यूटी है सफाई करने की, और उसके आगे टिक लगा होता है, समझ रहे हो, वो सस्टेन ही तो है। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स, कि भाई हर वॉशरूम के आगे हॉस्पिटल में एक चार्ट लगा दिया जाता है, डे है ना, और उसके आगे नाम कि भाई इस दिन ये बंदा सफाई करेगा, इस दिन ये बंदा सफाई करेगा। तो जब सफाई हो जाती है तो वो टिक लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि क्लीनिंग की जो गाइडलाइंस बताई गई हैं आप बिल्कुल साफ रखोगे, वो परफॉर्म हो रही है या नहीं। यही वहां पर ऑपरेशन थिएटर में होता है, ये सब जगह, यानी आपके वर्क प्लेस पर भी, ठीक है, यानी सारी गाइडलाइंस आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो रेगुलर ऑडिट करते रहो, रेगुलर ऑडिट मॉनिटरिंग कि सब ठीक हो रहा या नहीं हो रहा। फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी मेन पार्ट ध्यान रखना, कि आप एक काम करो, 5S लगने से, 5S को अप्लाई करने से पहले फोटोग्राफी बना लो, वीडियो बना लो, फिर ये सॉर्टिंग, सेटिंग, शाइन, स्टैंडर्ड, इनको फॉलो करो, और फिर आप एक फोटोग्राफी बना लो, कंपैरिजन पता लग जाएगा बिफोर एंड आफ्टर, है ना। और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते रहो कि भैया साफ सफाई रखनी है आपको, जो अनइम्पॉर्टेंट फाइल है वो यहाँ रखनी है, जो बिल्कुल कबाड़ है वो कबाड़ में रखनी है, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, और ये 5S कोई एक बार का काम नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। हाँ जी, जरूरी है सस्टेन करना, ओके, डेली मॉनिटरिंग, पीरियोडिकल ऑडिट, मोटिवेशन दो कि जो साफ सफाई ज्यादा रखेगा हम उसको एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे, ओके। कीपिंग टूल्स, इक्विपमेंट
क्लीन एंड टॉप कंडीशन। मान लो आपके पास 10 कार हैं, नहीं तो ऑब्वियसली 10 ड्राइवर होंगे, तो आप ये कहो कि जो ड्राइवर अपनी कार को ज्यादा मेंटेन करेगा, टाइम से सर्विस करा लेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेगा, हम उसको एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ का, ड्राइवर ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो एक बार काम ना करे, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए आप मेंबर को सेट करो, एंश्योर करो कि जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्लियर बेटा, हो गया क्लियर बात? तो ये कहलाएगा हमारा 5S का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए चलिए एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर ले। हाँ जी, फर्स्ट आपका था सॉर्टिंग, छटाई। इसमें दो चीज आती है, नीडेड नॉट एट ऑल, नीडेड बट नॉट ऑल। छटाई मतलब फैक्ट्री में बात करें तो जो नॉन मूविंग आइटम होते हैं, जैसे ऑब्सोलीट मटेरियल हुआ या कोई पुराना डिजाइन हो गया, ठीक है, दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क सेंटर, वर्क प्लेस, और उनको स्टोर में रख दो अलग जगह, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। ओके, ऑफिस में बात करें तो जो डॉक्यूमेंट, जो फाइल्स, जो पेपर आपको जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है, अनवांटेड है, बुक्स हैं, उनको वर्क एरिया से हटा दो, ताकि रेलिवेंट फाइल आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। इससे आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, नीडेड बट नॉट नाउ, जैसे घर में कहा था कंबल, ठीक है, फैक्ट्री में भी जो हमारे पास स्लो मूविंग आइटम है उनको आप अलग से रेड टैग लगा कर, ग्रीन मतलब एक कोई भी एक टैग लगा लो, येलो टैग जैसे एग्जाम्पल है, तो उसको लगाकर अलग से रख दो, ताकि वो फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए, जब चाहिए तब हमें पता लग जाएगा। ऑफिस में भी जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट हमें फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए उनको सेपरेट कर लो, ठीक है, जैसे एंड एग्रीमेंट वगैरह ही होते हैं। ओके, इससे टाइम बचता है और मिस हैपनिंग भी बच जाती है। क्लियर पार्ट भाई? हाँ जी, ऑफिस में बात कर रहे हैं, रेड टैग लगा के रख दो, फैक्ट्री में, ठीक है, इसी तरीके से। अब दूसरी बात आती है हमारी सेट इन ऑर्डर, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर इट्स प्लेस, इससे सर्च टाइम बचता है। ओके, फैक्ट्री में शेडो बोर्ड और ऑफिस में इंडेक्सिंग। शेडो बोर्ड का एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, कि भाई आप हर टूल्स को आप टांग दो और उसके ऊपर टोकन की जगह बना दो, ताकि मान लो एक एक्स है वो टूल्स लेकर आता है तो अपना टोकन लगा देगा, अगर वही टूल फैक्ट्री में किसी और को चाहिए तो वो शेडो पोर्ट पर जाएगा और वो देखेगा कि वहां पर किसका टोकन लगा हुआ है, ठीक है, और फिर वो उससे कांटेक्ट कर लेगा, ना कि पूरी फैक्ट्री में ढूंढेगा। इससे सर्च का टाइम बच जाता है, जैसे कहते हैं एनर्जी सेविंग्स टू एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, सेट इन ऑर्डर ऑफिस में ध्यान रखना, हम क्या कह रहे हैं, प्रॉपर इंडेक्सिंग करो एंड डॉक्यूमेंटेशन करो, प्रॉपर इंडेक्सिंग और डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर इंडेक्स शुड बी पेस्टेड ऑन ईच फाइल अबाउट इट कंटेंट्स, एंड इन दैट पैटर्न ऑफ कंटेंट डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट इन साइड द फाइल, सो दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कैन बी इजिली फाइंड एंड विदड्रॉन। बात समझ में आ गई ना ये, कि हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है, और उस फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, वो डॉक्यूमेंट की डिटेल्स हम एक इंडेक्स बनाकर उस फाइल के ऊपर पेस्ट कर देंगे, कि भाई इस फाइल में ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आसानी से ढूंढी जा सके। ओके, हाँ जी शाइन, आपका वर्क एरिया क्लीन होना चाहिए, मशीनें, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, अगर हर एम्प्लॉयज को हम एक हैबिट देंगे कि 10-15 मिनट आपको डेली आकर वर्क एरिया को क्लीन करके रखना है, तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव थॉट क्रिएट होंगे। ये नहीं है कि आप वर्क एरिया पर भी आपने वहीं चाय पी, वहीं पर अखबार छोड़ के चले गए, तो इससे क्या होगा कि फिर वही बात आ जाएगी कि मिस मैनेजमेंट हो जाएगा। तो हर एम्प्लॉय को 10 या 15 मिनट दो, ताकि वो अपने वर्क एरिया क्लीन करे, उसके रेगुलर हैबिट में आ जाए। ठीक है, मशीन की भी बात करते हैं कि भाई हम मशीन को प्रॉपर कंडीशन में रखें, ताकि मशीन चलते चलते कभी भी आपको धोखा ना दे, ठीक है, मेंटेन प्रॉपर करें। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी फैक्ट्री में ड्रेस कोड बना के चले, ऑफिस में ड्रेस कोड बना के चले, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड रखेंगे तो हमारा हाई क्वालिटी मेंटेन होगी। ठीक है, जैसे जो भी हमारी फाइलें हैं, 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, रेड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी है, ग्रीन मॉडरेट, येलो
बहुत कम इंपॉर्टेंट फाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं हर चीज को, सस्टेन जिसका अनुशासन उसका शासन, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग, फिक्स पॉइंट फोटोग्राफरी, एड ऑडिट करो, रेगुलर मॉनिटर करो, इंस्पेक्शन करो कि क्या ये जो पांचों, ये जो चारों गाइडलाइंस हैं, ये फॉलो हो भी रही हैं या नहीं है। खाली लिखने से या बोलने से नहीं होंगे ना, इनको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा। पहले और बाद में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, वर्कर को ट्रेन करना पड़ेगा, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और ये वन टाइम नहीं है, इट्स ए कंटीन्यूअस डेली मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर ऑडिट होगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉइज को कि भाई ठीक है, जो जिसका वर्क स्टेशन सबसे ज्यादा साफ होगा हम उसको एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे। इस तरह से हमें मोटिवेट करके उनको सस्टेन करना पड़ेगा ताकि हमारा जो गाइडलाइंस हैं वो मेंटेन हो पाए, वो अप्लाई हो पाए, तभी हमारा 5S इंप्लीमेंट हो पाएगा प्रॉपरली। इट्स नॉट ए वन टाइम, इट्स ए कंटीन्यूअस प्रोग्राम। क्लियर हो गया बेटा? तो ये कहलाता है हमारा 5S, ठीक है। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सप्लेन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। TPM बिल्कुल सिंपल सी बात है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल का मतलब ऑल इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर, सारे इकट्ठे आ जाओ, ये नहीं कि तुम उधर तुम इधर, मतलब फैक्ट्री में सारे एम्प्लॉयज मिलकर काम करें, होता ना एकजुट एकता में बल है। तो टोटल का मतलब इकट्ठे, सारे एम्प्लॉयज इकट्ठे मिलकर जब काम करेंगे। प्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्शन ऑफ नॉन डिफेक्ट गुड यूनिट, जो कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करे वो प्रोडक्टिव कहलाएगा। भाई मैंने तो बना दिया सर, ये खराब थोड़ा ना, अच्छा गुड्स। ओ भाई कस्टमर नहीं मांग रहा तो क्या फायदा, तो प्रोडक्टिव वो कहलाएगा। मेंटेनेंस सिंपल सी बात है कि मशीन को साफ सुथरा रखो, यानी कीपिंग इक्विपमेंट एंड प्लांट गुड कंडीशन है हमेशा, हर मतलब हर टाइम। जैसे आपकी कार है ना, मशीनें हैं, तो वो हर टाइम तरोताजा नहीं लगे। ये नहीं कि कार पर भी धूल मिट्टी जमी पड़ी है, आगे भी दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, ऑयलिंग ग्रीसिंग कभी मेंटेनेंस हुई नहीं कार की, तो फिर चलते चलते रुक जाएगी। तो TPM का मतलब यही है कि सारे एम्प्लॉयज फैक्ट्री में मिलकर काम करें, वो प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे और गुड कंडीशन में रखे, ठीक है। तो यहां पर बेसिक बात क्या है अब कि कीपिंग ऑल इक्विपमेंट, एक या दोनों ऑल इक्विपमेंट टॉप वर्किंग कंडीशन, बिल्कुल साफ सफाई एकदम चलते हुए। जैसे फर्स्ट डे नई मशीन आई थी तो 4 साल हो गए, आज भी ऐसा लगता है कि नई मशीन है ना, ताकि ब्रेकडाउन अवॉइड हो सके। मतलब अगर मशीन को हर रेगुलर इंटरवल पर आप ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग करते रहोगे तो वो मशीन कभी आपको धोखा नहीं देगी। कहते ना इंसान तो कभी भी धोखा दे सकता है, अच्छा रिलेशन रखोगे तो भैया तो मतलब ही हो सकता है, नहीं हर इंसान नहीं पर एक फितरत है, पर मशीन की ऐसी कोई फितरत नहीं होती। उसको अगर आप समय पर दाना पानी देते रहोगे तो वो चलते चलते रुकने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी, राइट भाई। तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ब्रेकडाउन होने से प्रोसेस डिले होता, वो नहीं होगा, और फिर एक्सपेक्टेड क्वालिटी गुड्स होगा, तो हम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाएंगे और अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज नहीं होगा। दैट इज द मेन पॉइंट। क्या कहना चाह रहे हैं दोबारा, कीपिंग ऑल मशीन्स इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन, यानी साफ सफाई, उनकी ऑयलिंग क्लीनिंग, उनके नट बोल्ट बिल्कुल तैयार हो एकदम, ठीक है, सो एज टू अवॉइड ब्रेकडाउन, यानी चलते चलते ना रुके, और प्रोड्यूस क्वालिटेटिव गुड्स, है ना, ताकि हम उसके मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाए, ताकि वो कभी भी अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज ना हो। भाई सोचो, अगर मान लो एक मशीन है, आप उसको ऑयलिंग क्लीनिंग नहीं कर रहे, है ना, तो क्या होगा, बीच में रुक जाएगी। अब बीच में रुकने से क्या होगा, वर्कर खाली बैठेंगे और उसकी कैपेसिटी में यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, नहीं। या फिर हम जब उसके मशीन ऑयलिंग क्लीनिंग नहीं कर रहे तो जो गुड्स बनेगा वो भी कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हम टॉप वर्किंग कंडीशन में रखें, ठीक है, तो इससे प्रोडक्शन का लॉस कम होगा, राइट, ब्रेकडाउन और मशीन के रुकने से। ये किसने डेवलप किया था, निप्पॉन टेंसो ने, ठीक है। इसमें सभी वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि इफेक्टिव ऑपरेशन हो पाए प्लांट का। ध्यान से सुनो, क्या करें, प्रोडक्शन टीम ऑल्सो टेक ऑनरशिप ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये, ध्यान से सुनो, प्रोडक्शन टीम जो
ऑपरेटर मशीन पर काम कर रहा है, मशीन रुक गई भाई, मुझे नहीं पता, बस फोन किया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कि मशीन खराब हो गया, आगे ठीक कर दो। अब मेंटेनेंस इंजीनियर आ रहा है, वो कहता है अरे सर जी आप देख तो लेते, इसमें तो बस क्या था कि स्विच लूज था, और क्या करना था इसमें बताओ, स्विच लूज था इसलिए वो पावर कट हो गई, इसमें तो बस हल्का सा आपको ये देखना था कि नट बोल्ट टाइट करने थे, इसमें तो बस आपको स्विच देखना था कि इसमें करंट आ रहा नहीं आ रहा, इतने के लिए आपने मुझे बुला लिया। अब बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि जो ऑपरेटर है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो भी ऑनरशिप ले। नहीं यार मैं छोटे से काम के लिए अब मैं इंजीनियर को क्यों बुलाऊं, क्योंकि ऑफिस में प्रिंटर है नहीं, अब वो थोड़ा सा कागज उसमें फंस गया तो ये नहीं है, कागज फंस गया चलो भी बैठ जाओ, अब तो वो प्रिंटर निकलेगा, प्रिंट आउट निकलेगा ही नहीं, अब इंजीनियर को बुलाएंगे जो प्रिंटर ठीक करेगा तो टाइम लगेगा। तो ऑपरेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कागज फंस गया है तो देखिए कैसे कागज फंस गया, उसको अपने आप निकालने की कोशिश करो, थोड़ा सा है कि अगर वो सीख जाएगा तो वो खुद ही निकाल पाएगा। बात समझ में आ गई, तो कॉपरेशन दोनों का चाहिए, या फिर उनसे फोन करके पूछ ले, ये मतलब है। तो मेंटेनेंस टीम और प्रोडक्शन टीम आपस में कोऑर्डिनेट है, तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मीनिंग समझ में आ गया, कीपिंग ऑल इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन टू अवॉइड ब्रेकडाउन सो एज टू अवॉइड डाउन टाइम। मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस क्या टीपीएम का, ये टीपीएम है ठीक है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का, जीरो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ना हो चलते चलते ना रुके, डाउन टाइम ना हो नहीं वही, अब एक्सीडेंट भी ना हो और डिफेक्ट भी ना हो। भाई जैसे कार है, अगर आप उसकी सर्विस टाइम पर कराते रहोगे है ना, अच्छा उसमें पेट्रोल डालोगे, साफ सफाई रखोगे ठीक है, तो उसके एक्सीडेंट होने की संभावना भी कम होगी, टाइम पर उसकी एयरबैग खुल जाएंगे ओके, और डाउन टाइम भी नहीं होगा और डिफेक्ट भी नहीं होगा ठीक है। जैसे घर में एसी लैपटॉप है ठीक है, पुराना है, वो स्टार्ट टाइम ज्यादा लेता है, तो ऑनर को पता होना चाहिए कि भी हम अगर टीपीएम पर खर्च करेंगे, सही सलामत रखेंगे, मेंटेनेंस करते रहेंगे, रिपेयरिंग करते रहेंगे तो ये फिट रहेंगे ओके। अब अगर मशीन चलते चलते रुक जाती है क्या दिक्कत है, अरे भाई सोचो मशीन चल रही है 2 बजे रुक गई क्योंकि आपने मेंटेनेंस नहीं करवाई थी, कार है आपने सर्विस ही नहीं कराई, आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो बीच में रुक गई तो क्या होगा, फिर उस समय आप वहां पर कोई मैकेनिक ढूंढोगे, आप अपने डेस्टिनेशन पर जाने में जहां पर आपको 5 घंटे लगते वहां टाइम ज्यादा लगेगा। मशीन की भी वही बात होगी, अगर चलते चलते रुक गई तो क्या होगा, जब तक इंजीनियर आएगा नहीं तब तक वो वर्कर खाली बैठेगा, आइडियल वेजेस जाएंगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे है ना, मार्केट शेयर लूज करोगे राइट, और अगर बना भी प्रोडक्ट शुरू में तो खराब क्वालिटी का बनेगा, और फिर मशीन को साफ सफाई में दोबारा टाइम ज्यादा लगेगा, रीवर्क कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, क्वालिटी, आइडल टाइम, प्रोडक्शन स्टॉपेज, इससे फाइनेंशियल लॉस होगा ओके। तो ब्रेकडाउन की वजह से ये लॉसेस सामने आते हैं हमारे ठीक है। अच्छा अब दोनों कनेक्शन बिटवीन टीक्यूएम एंड टीपीएम ठीक है, अभी हमने इससे पहले किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर 2 में, अब है टीपीएम। दोनों का पर्पस क्या है, वेस्ट को कम करना, सभी एम्प्लॉयज को इन्वॉल्वमेंट, सभी की कमिटमेंट और क्वालिटी सर्विस देना ठीक है। भाई दोनों का पर्पस क्या है, क्वालिटी सर्विस मिले, एम्प्लॉय सारे इन्वॉल्व हो और वेस्ट हमारा डिफेक्टिव कम से कम है, दोनों के लिए टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट चाहिए, इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ना ओके। भाई इसमें आपको नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, तो पैसा खर्च करोगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, तो टॉप मैनेजमेंट से पहले हाँ करवा लो कि भैया पैसा खर्च करने को तैयार हो ना, मशीन की मेंटेनेंस पर्टिकुलर, तो दोनों के लिए टॉप मैनेजमेंट की हाँ करवाना जरूरी है, एज एम्प्लॉय को टेक्निकल ट्रेनिंग देना जरूरी है कि अगर थोड़ी सी खराब हो जाए तो ठीक कैसे करना है, इससे क्या होता है दूसरों से आगे निकलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है राइट भाई। अच्छा अब मेन हमें क्या पढ़ना है इसमें, अरे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मिलते हैं हमारे को, मिनिमाइज वेस्ट, एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट ठीक है। दोनों में क्या है डिफरेंस, टीपीएम बेसिकली मेंटेनेंस अप्रोच है, ये क्वालिटी कंट्रोल करता है ठीक है, इक्विपमेंट यूज करते हैं ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट बने राइट भाई। चलिए
अब आता है टाइप ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टीपीएम, ठीक है। चलिए अब टाइप ऑफ मेंटेनेंस ही ध्यान रखना, पहली होती है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, फिर करेक्टिव मेंटेनेंस, और होती है मेंटेनेंस प्रिवेंशन एंड देन ऑटोनोमस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सिंपल सी बात है, आंख बंद करके बैठ जाओ, जब मशीन खराब होगी ठीक करा लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। वो कराती है ब्रेकडाउन, अनशेड्यूल्ड, पहले से कोई शेड्यूल नहीं करते, ठीक है। हाँ हम चाहते हैं कम से कम हो, ठीक है, वी रिक्वायर टू बी मिनिमाइज। ध्यान रखना क्या कहते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कैरिड आउट ओनली व्हेन, केवल तब कराओगे जब इक्विपमेंट एक्चुअली में रुक जाएगा, फेल हो जाएगा, क्लियर। ये एक लाइन है मेन, यानी अनशेड्यूल्ड, पहले से कोई शेड्यूल नहीं होता, भले ठीक है भाई जब बुखार होगा तब दवाई ले लेंगे, जब 102 बुखार होगा तब जाएंगे डॉक्टर के पास, अभी जाने की जरूरत नहीं है, नहीं। यानी मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस तब करवाओगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कैरिड आउट ओनली 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 व्हेन इट ब्रेक डाउन, यानी जब ये काम करना बंद कर दे, व्हेन इक्विपमेंट एक्चुअली फेल्स, ठीक है। अब ध्यान से, नॉट एडवाइजेबल, ठीक है, इट लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिले डिलीवरी। सर ये अच्छी बात नहीं है कि आप जब मशीन खराब होगी तब ठीक कराओ, वही बात आ गई ना, जब मशीन खराब होगी तब ठीक कराओगे तो आप इंजीनियर आएगा ठीक करेगा, 8 घंटे लगेंगे ठीक करने में, 6 घंटे लगेंगे एक दिन, उस टाइम पर लेबर खाली बैठेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, बिकेगा नहीं, कस्टमर को गुड्स देर से मिलेगा, उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा, कंप्लेन ज्यादा आएगी, मार्केट शेयर कम होगा, समझ गए नहीं, डिले डिलीवरी, और फिर जल्दबाजी में खराब भी क्वालिटी दे पाओगे, ठीक है। हाँ 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 एडवाइजेबल है, कब, जिसमें फायदा वो कायदा, उन मशीनों पर जिनकी लाइफ लगभग लगभग पूरी हो चुकी है, उनमें इतना पैसा मत लगाओ, उन पर जब खराब हो तब देख लेना, यानी जो रेगुलर नेचर की नहीं है, नहीं, जैसे पुरानी कार है बहुत कम यूज होती है, तो उस पर रेगुलर मेंटेनेंस कोई सलाह कोई समझदारी नहीं है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी। तो जो पुरानी मशीनें हैं जिनकी थ्योरेटिकल लाइफ पूरी हो चुकी है उन पर एडवाइजेबल नहीं है, ओके, एडवाइजेबल फॉर, हाँ सॉरी, उन पर एडवाइजेबल है कि उस पर हम तब पैसा खर्च करें जब रुक जाए मशीन, नॉर्मल मशीनों पर एडवाइजेबल नहीं है, ओके। तो ब्रेकडाउन का मतलब व्हेन मशीन एक्चुअली फेल्स देन रिपेयर एंड सर्विसेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू बी कैरिड आउट अनशेड्यूल्ड, नॉर्मली इट्स नॉट एडवाइजेबल, इससे क्या होता है प्रोडक्शन रुकता है, डिले होती है डिलीवरी, पर हाँ जो मशीन ऑलरेडी खराब हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है लाइफ, बस आप उनको चला रहे हैं कि बस 2-4, 10-15 दिन जब तक नई मशीन नहीं आती तब तक, तो उस पर में इतना मेंटेनेंस का पैसा खर्च मत करो, बोलो क्लियर। अब जैसे घर में एसी है मान लो, अब वो बिल्कुल खराब हो चुका है, तो एसी मैकेनिक आके कहता है सर एक काम करो, इसका कंप्रेशर बदल दो, इसका ये बदल दो, इसमें ये चेंज कर दो, मेंटेनेंस इसकी इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर ये अच्छा काम करने लगेगा, अरे भाई इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है अब हम नई मशीन खरीदेंगे, ये तो बस हम थोड़ा टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो उस पर ये एडवाइजेबल है कि हम जब खराब होगे तब करा लेंगे। चलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, नहीं ठीक है, मतलब बुखार आने से पहले दवाई ले लो, है नहीं, तो जब मतलब हर मशीन जब खरीदते हैं तो एक लॉग बुक मिलती है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये पार्ट्स 2 महीने चलेगा, ये 6 महीने, ये 2 साल, थ्योरेटिकल लाइफ लिखी होती है, तो हम अगर उसकी थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने पर चेंज करा दें तो मशीन चलते समय कभी नहीं रुकेगी, वो कहलाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो नॉर्मल मैनेजर क्या कहते हैं, नहीं सर ये तो ऐसे लिखा रहता है जब खराब होगी तब ठीक करा लेंगे, तो फिर वो कहलाती है ब्रेकडाउन, तो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, और फिर जब बजट बनाते हो, ठीक है, प्लान कर लेते हो कि मुझे एएमसी लेनी है, मुझे हर हफ्ते इसको ठीक कराना है, हर महीने में, हर क्वार्टर में ये एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस पर मुझे खर्च करना है, ठीक है भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी ऑल पार्ट्स शुड बी रिप्लेस्ड एट द एक्सपायरी ऑफ थ्योरेटिकल लाइफ इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ब्रेकडाउन। ये एडवाइजेबल है उन मशीन्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए जो रेगुलर नेचर की हैं और हम उनको टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना चाहते हैं हर समय, ओके,
अभी जैसे एसी है घर में, रेगुलर सर्विस कराते रहोगे तो कूलिंग अच्छी रहेगी। कार है, अगर आप उसकी ऑयलिंग सर्विसिंग मेंटेनेंस हमेशा कराते रहोगे इतने हर किलोमीटर पर, तो वो उसकी एवरेज भी अच्छी होगी और आपको रास्ते में कभी धोखा नहीं देगी। क्लियर? करेक्टिव मेंटेनेंस, हाँ जी ध्यान दो, करेक्टिव मेंटेनेंस इसका मतलब क्या है कि भाई जो मशीन है ना उसके पार्ट्स को रिकॉन्फिगर करो, उसके पार्ट्स को रिकॉन्फिगर करो, रीअरेंज करो ताकि उसकी मेंटेनेंस आसान हो जाए। जैसे एसी है उसका फिल्टर बाहर लगा दो, इजी हो क्लीन करने के लिए, मतलब वर्कर हर तरीके से लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से हर तरीके से उसको क्लीन कर सके, ऐसे पार्ट्स को फिक्स करो। जैसे मशीन बना रहे हैं तो पंखा पीछे ना हो तो साफ नहीं होगा ना, बड़े बड़े पाइप आगे हो, मतलब टू एंश्योर इजी क्लीन इजी मेंटेनेंस कंपनी शुड अरेंज रिकॉन्फिगर पार्ट्स इन डिफरेंट मैनर, वो कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस प्रिवेंशन, राइट? हाँ जी, डिजाइन बनाते समय मैनेजमेंट शुड कंसल्ट विद द डिजाइनर, डिजाइन बनाते समय ऐसा डिजाइन बनाओ ताकि वो मेंटेनेंस मिनिमम हो, हाई टेक्नोलॉजी यानी टाइम सेव मनी सेव सेफ्टी हो, क्योंकि आप देखो ट्रेडिशनल में ना एक मेंटेनेंस बहुत ही हॉरिबल टास्क हुआ करता था, समझ रहे हो? तो अब यहां पर हम क्या बात कहना चाह रहे हैं, मेंटेनेंस प्रिवेंशन यानी ऐसी डिजाइन बनाओ ताकि उसकी मेंटेनेंस पर कोई पैसा खर्च ना हो। जैसे लैपटॉप देखो उसमें ऑटोमेटिकली फैन पीछे लगा होता है, चिमनी है नहीं, उसमें ऑटोमेटिकली ऑटो क्लीन होती रहती है, बात समझ में आ गई? अब जैसे टीवी है तो आप देखो पुराने जमाने में जो टीवी हुआ करते थे ना क्या कहते थे कि सर जब इंग्लैंड और नीदरलैंड का मैच होता था, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा व्हाइट बढ़ाया इंग्लैंड की टीम गायब, थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ाई नीदरलैंड की टीम गायब, ऊपर एंटीना से हिलाते रहते थे। तो अब हम क्या कहना चाहते हैं, वो उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा, अब ऐसी टीवी बनाओ ताकि ये सारे कलर सेटिंग ऑटोमेटिकली ही हो, एचडी हाई टेक्नोलॉजी, तो उसको बोलते हैं बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस प्रिवेंशन। उसको बोलते हैं डिजाइन आप ऐसा बनाओ प्रोडक्ट के बनाते समय कि ले जाओ ये खराब होगा ही नहीं, वुडलैंड का शूज है नहीं, क्या कहते हैं भाई साहब आपका पैर टूट जाएगा जूता नहीं टूटेगा, जूता खराब ही नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस प्रिवेंशन, समझ रहे हो? जैसे बिल्डर लोग कहते हैं कि भाई देखो ये कॉरियन की शीट है, कॉरियन पत्थर होता है नहीं, वाइट मार्बल से ही रिप्लेस करते हैं, तो इस पर बस आप हल्का सा पानी मारोगे साफ हो जाएगा, इसके कंपैरेटिवली यही लुक आपको देगा डीको पेंट, पर उसमें आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसमें आपको बहुत ज्यादा डस्ट साफ करनी पड़ेगी, तो ये कौन सी मेंटेनेंस कहलाती है, मेंटेनेंस प्रिवेंशन। ये डिजाइन करते समय ऐसा डिजाइन बनाओ ताकि आप जब यूज करो तो आपको बहुत ज्यादा सफाई करने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है? ऑटोनोमस मेंटेनेंस यानी अपने आप, मतलब छोटी मोटी रिपेयर खुद कर ले, यानी जो ड्राइवर है गाड़ी का उसको पंचर लगाना आता हो, ये नहीं कि सर गाड़ी रुक गई अब तो सर गाड़ी में हवा कम है पंचर हो गया तो भैया मैकेनिक को बुलाओ, अरे भाई ये तो थोड़ी मोटी खराबी है, आगे बोनट में कुछ खराबी हो गई, बैटरी में पानी नहीं है, बैटरी का कनेक्शन लूज हो गया, तो इसका ना ऑपरेटर को छोटी मोटी रिपेयर खुद सिखा दो ताकि वो अपने एंड पर ठीक कर ले, वो अननेसरी इंजीनियर को ना बुलाए, यानी ऑपरेटर शुड बी ट्रेन्ड, डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस आर कैरिड आउट बाय ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर टेक्निकल, ठीक है? अब जैसे मोबाइल हैंग हो गया तो भैया रीसेट कर लो, टायर हो गया तो वो चेंज कर ले ड्राइवर खुद ही, ऑपरेटर शुड बी ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस। बोलो क्लियर है बेटा? चलिए अब आते हैं हम, होगी सारे क्लियर एक बार फटाफट। सबसे पहला ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मशीन खराब हो जाएगी तब चेंज करो उसको, यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कैरिड आउट ओनली व्हेन इक्विपमेंट एक्चुअली फेल्स, ठीक है? अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है, ओके, एडवाइजेबल है उन मशीनों के लिए जो डेली यूज में नहीं होती है, हाँ जब खराब होगी तब ठीक करा देंगे, जो बेकार पड़ी जिनकी थोड़ी लाइफ खत्म होगी, नॉर्मल एडवाइजेबल नहीं है, इससे खराब क्वालिटी होती है और डिलीवरी भी डिले होती है, लेबर खाली बैठते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दूसरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी मशीन के हर थ्योरेटिकल पार्ट्स के लाइफ खत्म होने पर उसको आप चेंज कर दो, ठीक है? ऑल पार्ट शुड बी चेंज्ड, ठीक है? जब हम बजट बनाते हैं
तो हम महीने का, वीकली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली आप प्लान करके चलते हो कि मुझे इतने समय में इसकी मेंटेनेंस करवानी है। कार है, आप मेंटेन करके चलते हो कि मुझे हर 6 महीने में सर्विस करानी है या इतने किलोमीटर पर सर्विस करानी है, नहीं तो वो क्या होगा, हर टाइम फ्रेश रहेंगे। करेक्टिव मेंटेनेंस यानी रिकॉन्फिगर कर दो, यानी जो पार्ट्स बड़ी पाइपलाइन है उसको आगे कर दो, जो छोटे वाले इनको पीछे कर दो, पंखा आगे लगा दो, ताकि इस तरह से आप पार्ट्स को रिकॉन्फिगर करो ताकि वो सफाई आसानी से हो जाए। हाँ जी समझ ना, करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब रिकॉन्फिगर करो पार्ट्स को ताकि सफाई करते समय दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला है मेंटेनेंस प्रिवेंशन। इस दोनों में अलग अलग है। डिजाइन ऐसा बनाओ कि सफाई की आवश्यकता ही ना पड़े। ऊपर वाले में क्या है, सफाई आसानी से हो जाए, यहां पर सफाई की आवश्यकता ही ना पड़े। समझ रहे बात को? यानी अब जैसे मैंने बिल्डर का एग्जाम्पल दिया, कोरियन की शीट लगा देते हैं वो, तो वो इजी हो जाता है। लैपटॉप है, फ्री मेंटेनेंस, फैन उसमें ऑटोमेटिक लगा हुआ, चिमनी है, ऑटोमेटिकली क्लीन करते रहते हैं वो। तो ऐसे मशीन बनाओ, डिजाइन बनाते समय कि वो फ्री मेंटेनेंस हो। एचडी टेक्नोलॉजी का टीवी हो, ये नहीं कि ऊपर से एंटीना हिलाए जाले जा रहे हैं। ठीक है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस यानी ऑपरेटर को ट्रेन करके, ऑपरेटर को एजुकेशन, ऑपरेटर को ट्रेनिंग दो ताकि वो छोटी मोटी रिपेयर, डे टू डे रिपेयर खुद ब खुद कर सके। ओके बेटा, क्लियर? चलिए देखो आगे है 8 pillars ऑफ टीपीएम। क्या मतलब है इसका? टीपीएफ की स्ट्रेटेजी 8 बातों पर निर्भर करती है। मतलब आप ये कहते हो ना कि मशीन को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखो तो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, है ना? वो भाई कैसे, मतलब क्या कहना चाहते हो कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या हो, वो बता रहा है। दैट इज 8 pillars ऑफ टीपीएम। यानी टीपीएम की जो स्ट्रेटेजी है वो 8 बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, इसको हम ध्यान में कैसे रखें? मशीन से रिलेटेड बातें ध्यान में रखें, कस्टमर से रिलेटेड और वर्कर से रिलेटेड। 3 बातें होगी, मशीन, वर्कर, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड क्या बातें ध्यान में रखें? खुद सोचो कस्टमर, अरे भाई उसकी सेटिस्फेक्शन है ना, यानी वो कब सेटिस्फाइड होगा? डिलीवरी टाइम से मिले, क्वालिटी गुड्स मिले, बिल्कुल सिंपल। यानी प्रोड्यूस करो क्वालिटी गुड्स इनिशियली फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी जीरो डिफेक्ट पॉलिसी फॉलो करो। ठीक है, वर्कर से रिलेटेड क्या बातें ध्यान में रखें कि मेरा टीपीएम फॉलो हो जाए? सबसे पहले वर्कर के मन से डर हटाओ, यानी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो, हेल्दी एनवायरनमेंट रखो। ठीक है, ट्राई टू अचीव जीरो हेल्थ डैमेज। जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, ऑपरेटर काम कर रहे हैं मशीन पर, उनके मन से डर हट जाना चाहिए कि एक्सीडेंट होने के संभावना है। फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विश अपॉइंट रखो, सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो, ग्लव्स रखो, फर्स्ट एड बॉक्स रखो, ठीक है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखो ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो पाए। ठीक है, सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो। वर्कर को ट्रेनिंग दो, दो चीजें होती है ध्यान रखना, ट्रेनिंग और एजुकेशन फर्क होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है टेक्निकल ट्रेनिंग। वर्कर को पहले से समझा दो कि भैया मशीन ऐसे काम करती है, इतने समय के बाद मशीन हीट हो जाती है, आपको टेम्परेचर ऐसे कंट्रोल करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग दो, तभी जो आपको चाहिए आप ले पाओगे। एजुकेट करो, सामान्य बातें बताओ नॉर्मल, ताकि वो मोटिवेट हो। तो दोनों चीजें हो गई, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है, वर्कर जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ानी है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्ड करता है, मैनेज करता है सारे फैक्ट्री को ऑपरेशंस, लॉग बुक मेंटेन करो। मतलब ऑफिस टीपीएम भी करो, ऑफिस में जो वर्कर हैं, ऑफिस में जो स्टाफ है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसकी मेंटेनेंस करते रहो, क्योंकि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही तो फैक्ट्री की हर मशीन की डिटेल्स रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी मशीन खराब होने वाली है, कौन सी मशीन के पार्ट्स थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने वाले हैं। फोकस्ड करो इंप्रूवमेंट, यानी स्मॉल काइजन कॉस्टिंग लगाओ, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते चले जाओ, यानी मशीन के जो इंप्रूवमेंट आए वो आप धीरे धीरे करते चले जाओ रेगुलर बेसिस पर, तो ये बिग चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्कर से, एक कस्टमर और 4 वर्कर। वर्कर में क्या क्या आ जाएगा? सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो हेल्थ के लिए, नहीं सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सेफ्टी मेजर फॉलो करो ताकि एक्सीडेंट अवॉइड हो सके, फर्स्ट एड बॉक्स रखो, ग्लव्स रखो। ठीक है, वर्कर को एजुकेट करो, ट्रेनिंग दो, टेक्निकल ट्रेनिंग दो कि मशीन कैसे काम करती है, तभी आप उससे वो ले पाओगे जो चाहते हो। उनको एजुकेट करो, उनको मोटिवेट करो ताकि वो, सो दैट दे विल डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम। ऑफिस में
जो स्टाफ है, कंप्यूटर हमारे हैं, जो सारे रिकॉर्ड रखते हैं फैक्ट्री के, वो अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं होंगे, वो मेंटेनेंस नहीं होंगे, तो दिक्कत होगी। यानी लॉग बुक मेंटेन करो। लॉग बुक क्या होती है, हर मशीन की डिटेल्स हमारे सॉफ्टवेयर में हो, तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन से पार्ट्स को कब बदलना है, राइट भाई। और काइजन कॉस्टिंग लगाते चले जाते, ठीक है। आगे मशीन से रिलेटेड 5S फॉलो करो, अप्लाई 5S, समझ गए ना, सॉर्टिंग नहीं, ठीक है, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्ड, सस्टेन, ओके, क्लियर पार्ट। हाँ जी, सॉर्टिंग, छटाई, जो बेकार सामान है, जो बेकार मशीन के पार्ट्स हैं, वो हटा के अलग रख दो कबाड़ में। जो छोटी मोटी वेल्डिंग मशीनें होती हैं, बिल्डिंग बन रही है, छोटी मोटी वेल्डिंग मशीनें हैं, वो खराब हो चुकी, आप उनको हटाओ, कबाड़ में रख दो। इमूविंग, जो नॉन मूविंग मटेरियल, हटा दो उनको, ताकि रेलिवेंट मशीनें आप काम कर पाओ, ठीक है। सेट इन ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी प्लेस, हर एक की अपनी जगह हो और वो उस जगह पर रखा हो, है ना, जैसे शेडो बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था उसमें, ठीक है। शाइन, हर वर्कर, हर ऑपरेटर की जगह साफ सुथरी हो, उसको 10-15 मिनट का टाइम दिया जाना चाहिए, ताकि वर्क प्लेस बिल्कुल क्लीन हो, मशीन की ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, नट बोल्ट बिल्कुल टाइट हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हर एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करो, ऑपरेटर की ड्रेस अलग कोड हो, नहीं सुपरवाइजर की अलग हो, ताकि इजिली आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। सस्टेन करने के लिए सारी गाइडलाइन फॉलो करो, रेगुलर मॉनिटरिंग करते चले जाओ, ऑडिट करो, रेगुलर इंस्पेक्शन करो, फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी रखो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, यानी वर्कर को खुद सिखा दो कि भी छोटी मोटी रिपेयर, डे टू डे रिपेयर आप खुद करो, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ठीक है। लुब्रिकेंट, यानी हर पार्ट्स के लुब्रिकेंट ही रखो, नॉर्मल इंस्पेक्शन रखो, ठीक है। मतलब ऑपरेटर को ये समझा दो कि भी मशीन पर बैठने से पहले खुद एक चेक कर ले कि भी करंट इसमें क्या, मशीन में पावर आ रही है नहीं आ रही है, क्या लूज तो नहीं है, कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो खुद ही चेक कर ले। पता लगा एक्सटेंशन बोर्ड से स्विच निकला हुआ है, तो वो उसमें लगा हुआ है कि पावर नहीं आ रही, चलो भी बुलाओ, नहीं तो वो खुद मेंटेनेंस कर ले। प्लांट मेंटेनेंस, ठीक है, ये पहले बता दिया आपको, इसमें सारी मेंटेनेंस करें, प्रिवेंटिव भी, ब्रेकडाउन भी, ऑटोनोमस भी, करेक्टिव भी, मेंटेनेंस प्रिवेंशन भी। अर्ली मैनेजमेंट, यानी डिजाइन बनाते समय ही डिजाइनर से ऐसे बनवाए ताकि बाद में प्रोसेसिंग टाइम कम से कम लगे, तो ये इन 8 बातों का हमें ध्यान में रखना है, क्लियर बात है। चलिए फटाफट, एक कस्टमर, स्टाफ और मशीन। कस्टमर के लिए क्या, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, यानी कस्टमर इंटॉलरेंस है, अगर कस्टमर को खराब होगा तो ले जाना, मैं ठीक कर दूंगा, ओके का भैया मेरे पास इतना टाइम रह गया, तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए गुड प्रोडक्ट बनाओ, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाओ, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट दो, उसको ले जाओ, उसको बोलो कि ले जा, खराब ही नहीं होगा। ये टीपीएम का 8 पिलर में से एक पिलर है, स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय के मन से डर हटाओ, उसके सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो, यानी मशीन को हमेशा अच्छे तरह रखो, ताकि उसको ये ना लगे कि मशीन चलते चलते खराब हो जाएगी तो मुझे नुकसान होगा। सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट साथ में रखो, कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, काम करते समय कोई मान लो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर ग्लासेस, अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस उसके सामने हो, आईज पर कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए उसको ट्रेनिंग दो, उसको एजुकेशन दो, ट्रेनिंग का मतलब टेक्निकल सिखाओ कि मेरी मशीनें कैसे ऑपरेट करती हैं, तभी आप जो चाहते हो उसे वो ले पाओगे, उसको नॉर्मल एजुकेशन दो ताकि मोटिवेट हो, ठीक है। ऑफिस में, ऑफिस टीपीएम, यानी ऑफिस के हर कंप्यूटर अप टू डेट रखो, ये नहीं कि कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है, सर डाटा उड़ गया, तो फिर तो प्रॉब्लम होंगे। लॉग बुक मेंटेन करो, ठीक है, फोकस इंप्रूवमेंट, काइज़न कॉस्टिंग, ऑटोनोमस हो गए, ऑयलिंग, क्लीनिंग, सारी मेंटेनेंस रखो, 5S फॉलो करो। अर्ली मैनेजमेंट का मतलब मैंने डिजाइन बनाते समय इंजीनियर को ऐसा समझाओ कि भैया जब प्रोडक्ट बनाए तो प्रोसेसिंग टाइम ऑटोमेटिकली कम से कम लगे। दीज आर द 8 पिलर ऑफ टीपीएम, ओके, क्लियर।